रेहाना आफ्ताब का बाज़ी का 15, नॉवल इश्तीन सोलेट्स निदा ने जितनी बड़ी गलती का इतकाब किया है इसके बाद आप सब भूल जाए कि अब उसके नसीब में कोई खुशी आएगी हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे कभी उसकी शादी नहीं करेंगे जब वो बूढ़ी होकर हवेली में सिसक सिसक के मरने के करीब होगी तब उससे एहसास होगा कि हमारे शिमले को रोंदने की सजा क्या है अब से नीता की पढ़ाई लिखाई हवेली के बाहर जाना बंद बाहर की दुनिया इसके लिए खत्म हो चुकी है इशाल की मंगनी रईस मिया से हो चुकी है आप सब शादी की तैयारी करें हम इसे जल्द हवेली से रुख्सत करने का इरादा रखते हैं बाकी लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से पहले अच्छी तरह ये बात जहन नशीन कर लें कि हमारी नजर हर घड़ी उन पे है फिर ऐसा कुछ हुआ तो सजा मजीद सख्त होगी सबके कान साय साए खा कर रहे थे मेहमान खाना खाकर रुखसत हो चुके थे धड़कते दिल और लड़सते हाथों से सबने मेजबानी के फराइज अंजाम दिए थे चौधरी हशमत ने आन अन फानन इतना बड़ा फैसला ना सिर्फ सुना दिया था बल्कि उन पे अमल दरामद भी हो गया था इस शाल की मंगनी की सूरत मेहमानों के लिए सजी सफरी दानिश में सजा थी लेकिन इस फैसले पे उसके चेहरे पे सुकून फैल गया था वो सारी जिंदगी बेवकी की तरह काट सकती थी राहिल के कत्ल के बाद किसी और से शादी से फड़ी और कोई आजमाइश नहीं हो सकती थी रिलीफ मिला था उससे कम अज कम वो राहल को खुल के रो तो सकती थी चौधरी हशमत जिंदगी खुशी पे कतकन लगा रहे थे लेकिन जिंदगी बची ही कहाँ थी उसकी नज़र में जहाँ अपने लिए सुकून महसूस हुआ वहीं एशाल के बारे में जानकर वो दीवार से लग गई नजर बेसखा उस पर उठी जो साकित नजरों से हाथ में मौजूद अंगूठी को देख रही थी हर कोई अपनी जगह साकित रह गया था लड़कियों पे एक सर सी निगाह डालकर वो चले गए थे हर घड़ी उन पे नजर है कहकर वो पहले ही उन्हें खौफ कर गए थे चौधरी हशमत के जाते जब्त के बावजूद भी फाइजा सिस्की भर के रो पड़ी थी चौधरी फेरोज ने एक तल्ख निगाह उन समेत बाकी दोनों बेटियों पे डाली थी और फिर चलते बने असवंत ने भी तकलीद की थी लड़कियों के साथ समान अफंदी की नजरें इस पे थी जो साकित बैठी हुई थी मौत नहीं हुई थी लेकिन मौत जैसी खामोशी ने माहौल को अपने हिसार में ले लिया था मायों के सस्ते से जोड़े में अलुही खुशी के महंगे आस्तीन ऊपर चढ़ाए पे बैठी उससे उपटन मिल मलवा रही थी उपटन मलते मलते मावरा उसकी तरफ छुप कर कोई ना कोई बात कर जाती थी अनुषा गाल चेहरा गुलाल चेहरा लिए मुसनु हफकी से घूर के रह जाती ये अलग बात की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो जाती थी

अनुषा ने भी लबकुशाई की यासिर भाई नहीं होंगे बस तुम तसली तो रखो बहुत बदतमीज़ हो अनुषा ने झिनब के हाथ खींच लिया था मुनसा ने एहतियातन थोड़ा सा दरवाज़ा खोला था और यखिया सरफराज को दांत निकोस से देख कर उसके रुख काम गई तुम वो भिनचे भिनचे लहजे में चिल्लाई क्यों आए हो मना किया था ना यहाँ आने से वो दानिस्तता थोड़ा बाहर आकर अपने पीछे दरवाज़ा भिड़ गई थी ऐसी भी क्या बेरुखी ना तुम फ़ोन उठाती हो ना बात करती हो फिर क्या करता अपनाइयत से गिले पे

और उसकी ढिटाई पे मुनजा की हालत गैर होने लगी बस नहीं चल रहा था कैसे सामने खड़े बंदे के वजूद का कीमा बना दें तो बिला वजह गुस्सा करके बीपी हाई कर रही है पहले भी कह चुका हूँ मैंने सिर्फ दस हजार लिए जो तूने अपने हाथ से दिए बाकी के चालीस हजार हराम हो मुझ पे जो लिए हों बोल तो कुरान उठा लूँ अपनी बात में दम लाने को वो इस ढिटाई से कह के एक पल को मुनजा भी काम गई उस जैसे जमीर फरोश को कभी एहसास ही नहीं हो सकता था कि उसने किस अजीम किताब की बात की है महस अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए तुम जैसों को बस इलाही ही नाबूद करेगी और नफरत का इजहार करना ना भूली तू इतनी मोहब्बत करती रही है कि आज तक तेरी बदुआ नहीं लगी हंसी उड़ाती नजरे मुन को भिंचने पे मजबूर कर गई तफा हो जो कोई पैसा वैसा नहीं है मेरे पास सांस धोकनी की तरह चलने लगी देती है पैसा या मैं अंदर जाके दोनों को तेरी असलियत बताऊं धमकाने लगा साथ ही दरवाजे पे हाथ रखकर धकेलने की कोशिश की ने हाथ सख्ती से दरवाजे पे रख लिए उसके मुकाबले में अपना खोखला वजूद बेहद महसूस हुआ वो कब तक ढाल बन सकती थी उनकी आंखों में बेपना होप सिमट आया हट सामने से जो बेटियां तुझे पूछ रही हैं जब तेरी असलियत उन पे खुलेगी तो के तू कितनी बड़ी नागिन है तब बेटियां तुझ पे थूँ थूँ करेंगी। उसकी धमकियों की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था मगर वो अब बीच एक घाड़ी उनके सामने रुकी थी उसमें से तेजी से उतरते ईशान झा को मुन्नजा ने देखकर जिस तरह अल्लाह का शुक्र अदा किया वही यखिया सरफराज ठटक गया कौन हो तुम और ये क्या अंदाज है आंटी सब ठीक है वो दूर से ही देखता आ रहा था कहीं से नहीं लग रहा था कि बात खुशगवार अंदाज में हो रही है ये बदमाश पैसे मांग रहा है कह भी रही हूँ नहीं है तो अकेली समझ के जोर दिखा रहा है मुन्सा ने गैबी मदद मिलने पर फराटे से शिकायत कर दी जो इतनी बड़ी शिकार और उसमें से उतरते शाहाना अंदाज लिए ऐशानजा को देख के ठटक गया था उसके घुसीले अंदाज से तफतीश और मुन्सा को आंटी सुनकर मजीद साकित हो गया इतनी मिजाल ईशानजा ने एक लम्हे के लिए

दोबारा ना कोशिश करें आप लोग अकेली होती हैं। उससे फिकर हुई। नहीं पहली बार ही आया है वाला खुद अंदर से बहुत डरा हुआ होता है इसका इदराक उन्हें इस खड़ी हुआ था उन्हें डराने वाला खुद दुम के भाग गया था बिलाव हमारी हाथे परेशान हो गए अंदर आओ कैसी परेशानी आंटी बेहतर होता

सर झुकाए बैठी थी पापा हम कौन सा किसी सियानी किसी सियासी घराने से हैं या हमारी जानों को खतरा है जो बॉडी गार्ड्स के साथ जाके हर जगह तमाशा तो लगवाए मुझे नहीं पसंद ये प्रोटोकॉल इसलिए वापस भिजवा दिया था वो जी कड़ा करके इजहार ख्याल कर गई अपनी पसंद नापसंद अपने पास ही रखो हम क्या हैं और क्या नहीं ये सोचने की जरूरत तुम्हें नहीं है अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि अपने मुतल फैसला करने खड़ी हो जाओ चौधरी बख्त को उसका गैर मुंतकी जवाब जरा पसंद नहीं आया था उनके अंदाज से वो एकदम चुप सी हो गई थी इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई थी सबकी नजरें दरवाजे की ओर हो गई थी आने वाला शाहजर शामून था औशा दीने सूरत हल संभालते उसे आने की दावत दी चौधरी बख्त ने अपने बराबर बैठने का इशारा किया तो वह खामोशी से उनके साथ बराजमान होगी चेहरे के नकुश कुशीदा थे जो जाहिर कर रहे थे कि मुहाफ़ों की क्लास लेकर वो सीधा इसी तरफ आया है सुबह हवेली के लिए निकल रहा हूँ चाचा जान उसने वासिया महसूस किया था कि उसका सुनकर बाकी सब किस... किसी पोशीदा नहीं रह तासरात मजीद भड़ गए लब अलग भिंच गए कुछ दिन रुकते ना चौधरी वक्त की कमजोर सी आवाज निकली थी जान गए थे वो नाराज होकर जा रहा है और उसकी नाराजगी से शनाया की जिंदगी में कितना फर्क पड़ सकता है ये बात वो

जी भर के गुस्सा आ रहा था वो जिस तरह मारे मारे फिरने को गैरत से ताबीर करके शूट की बात कर गया सभी चौंक गए शायद वो बर्दाश्त से ज़्यादा जब्त कर चुका था सुबह की अपनी टिकट कंफर्म करा रहा हूँ और शनाया की भी ये मेरे साथ जाएंगी अब से वहीं रहेंगी दाजान को सारा किस्सा बताऊंगा तो वो खुद ही हुक्म सादिर कर देंगे लेकिन ऐसा करने से आप और चची जान पे सवाल आएगा इसलिए शनाया को खामोशी से मेरे साथ जाने दें अपनी इज्जत की रखवाली मुझे आती है उसके खुश्क लहजे पे सभी ठटक गए थे शनाया तो आंखें फाड़ के उससे देख ही जा रही थी जो वक्त के साथ बाहिर सर झुकाए बैठा था लेकिन लफ्स अकड़े हुए थे कमरे में कमरे में खामोशी गहरी होने लगी थी शनाया चौधरी खौफजदा नजरों से चौधरी वक्त को देख रही थी इतने जतन करके वापसी अमल में आई थी जाने अब क्या होता सबकी नजरें उनपे थी जो बहुत थके थके से लग रहे थे लफ्ज़ सच्चे ज़रूर थे लेकिन बेहद कड़वे भी थे ठीक है बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी तुम्हारा हक है जो फैसला मुनासिब लगे शायद मेरी परवरिश में ही कोताही रहेगी जो आज तुमसे आंख मिलाने के भी काबिल नहीं रहा बहुत टूटा बिखरा लहजा था सबके अजीब से तसरात हो गए थे शाहजार शामुन एकदम से उठ के उनके कदमों पे आकर उनके हाथ थाम गया बाखुदा मेरे कहने का मकसद आपकी परवरिश पे उंगली उठाना हर किस नहीं था चचा जान अक्सर बहुत अच्छी तरबियत के बावजूद औलाद शर्मसार कर देती है इसमें आप या चचा जान का दोष नहीं है औलाद की फितरत ही अलग हो तो कसूरवार वालदेन क्यों मैं तो बस आपकी टेंशन दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ अब से आपकी परेशानी खत्म और मेरी जिम्मेदारी शुरू आई नो आज से पहले तक हवेली में रुखसती से पहले बड़े ही सारे फैसले करते आ रहे हैं लेकिन आज से पहले ऐसी सिचुएशन भी पेश नहीं आई थी जो मोहतरमा वालिदा की बात नहीं मान रही मुहाफिज़ को किसी गिनती में नहीं ला रही उन्हें मेरे सुपर्द करके आप बस बेफिक्र हो जाएं अब से ये मेरी ज़िम्मेदारी है शाज़र शमून का एक-एक लफ्ज़ ज़बरदस्त ताज़ियाना बनके जनाय चौधरी के, के खून में उबाल ले आया था इतनी तज़लील वो क्या कुछ नहीं कह गया था इन लफ्ज़ों में उसकी नज़र में वो बिगड़ी हुई नवाब साथी थी जिसे सुधारने के लिए वो उससे अपने साथ हवेली ले जाना चाह रहा था तुम पर हक कह रहे हो बेटा सुबह अपनी मनकूहा को साथ ले जाओ हम से किसी के पास रोक लेने का इख्तियार नहीं शायद यही हमारी इज्जत के लिए भी बेहतर है दिया बेगम बेटी को ले जाएं और इसे रुख्सत करने की तैयारी करें शनाया चौधरी की तरफ देखने से दानिस्ता गोरेज

अमली जामा भी नहीं पहना सके थे कि अगले टारगेट के लिए ऑपरेशन लाइनअप हो चुकी थी और उन्हें कॉल आने के साथ ही अगले टास्क के लिए निकलना था सहबा तब तक उनके लिए चाय के साथ स्नैक्स तैयार करवाने गई थी रिस्ट वॉच में वक्त देखते नजरें डी पे जमाए बैठे थे मुंह हुई आ गई अपनी बेटी के लिए ऑलवेज फ्री बोलो क्या बात है मोहब्बत से कहकर उन्होंने बेटी का हाथ थाम कर अपने पास बिठा लिया था आई नो डैड कि मैं आपके लिए कितनी अहम हूँ मेरी कोई बात आप टालते नहीं हैं

कब पहला कदम उठाया कब पहली बार डैड कहा दिन माँ सन सब अच्छी तरह याद हैं चौधरी जहांगीर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी बड़ा नरम तासुर था यू आर द बेस्ट डैड इन दिस वर्ल्ड के लहजे में मान और गरूर उनके लहजे में बोल रहा था अब किसने मेरी बेटी को हर्ट किया शक्ल पे संजीदा हो गए सम्मान डैड उसने छूटते ही नाम ले लिया समान चौधरी जहांगीर ने भव्य यस डैड yes, समान मुंह बिगाड़ के कहा बहुत रूड और मगरूर है डैड मैंने कॉल की कि एंगेजमेंट और शादी से पहले थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लेकिन उसने स्ट्रिक्टी कह दिया कि हवेली में ऐसा कोई सिस्टम नहीं और ये कि मैंने अगेन कॉल की तो वो नंबर ब्लॉक लिस्ट कर देगा और उसने ऐसा किया भी आई एम इम्पेस डैड रोहान स लहजा हो गया इतना रूड बिहेव किया उसने तुम्हारे साथ चौधरी जहांगीर को हैरानी हुई यस yes, शदो के साथ गर्दन हिलाई अभी मसला हल करता हूँ अपनी बेटी का चौधरी जहांगीर कहने के साथ अपने सेलफोन से अफंदी को कॉल मिलाने लगे थे सारा दिन अपनी जिम्मेदारियों को सर अंजाम देने के बाद फ्री होकर वो अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा रहा था जब सेलफोन बचने लगा चौधरी जहांगीर की कॉल देखकर उसे एक लम्हे को ख्याल आया जाने क्या बात है जो इस वक्त उनकी कॉल आ रही है हवेली के मामला के लिए वो अक्सर उससे कॉल कर देते थे इस वक्त भी वो मामूल की कॉल समझ

रूम में जाने का इरादा मुल्तवी करके वह राहतारी के खुले एरिया में आकर ग्रिल के साथ खड़ा हो गया सिहन बड़ी तेजी से उनके जुमले पे काम कर रहा था भाई जब बाबाजान ने तुम्हारा और नर्मीन का रिश्ता जुबानी तय कर दिया तो इससे पत्थर की लकीर ही समझो चुब नर्मीन अंडरस्टैंडिंग के लिए तुमसे बात करना चाह रही है तो तुम्हें क्या इशू है माना हवेली के कुछ اصول हैं बाबाजान का डर है तो कहो मैं खुद उनसे इजाजत ले लेता हूं और यकीन करो वो मुझे इनकार नहीं करेंगे जहांगीरबंदी के चेहरे पर सारा खून से मटाया था कोई और हुक्म होता तो शायद वो चूं भी ना करता अंदाजा था जलील होने के बाद डैड की चहेती एक्शन लेगी लेकिन जराए भी उसका साथ देंगे ये यकीन नहीं था चौधरी जहांगीर यू बेटी के हक में उससे हम ववार कर रहे थे जैसे वो उनके ताबे हो माजरत के साथ चाचा जान रिश्ता दा जान ने तय किया लेकिन अगर उन्होंने भी कहा कि अंडरस्टैंडिंग के नाम पे कॉल पैकेजेस लगाऊं तो मेरी तरफ़ से पेशगी माजरत कबूल कीजिए मेरे अपने भी कुछ मोरल्स हैं इश्यूज हैं पसंद नापसंद है अपनी साहबजादी से आपकी मोहब्बत अपनी जगह लेकिन आप याद जान के कहने पे मैं अपने असूल तोड़ दूं ऐसा शायद ना कर सकूं रही अंडरस्टैंडिंग या जान पहचान की बात तो आप और आपकी साहबजादी ने छान फटक कर ही ताजन से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया होगा लेकिन अभी भी कोई तसली अधूरी रह गई हो तो हवीली तशरीफ ले आए बिल मुफाशा मैं हर तरह से हाजिर हूँ ना लहजा गुस्ताख था ना अंदाज लेकिन लफ्ज़ कितने काटदार थे कि हरफोक को शक की नज़र से देखने वाले चौधरी जहांगीर बहुत अच्छी तरह समझ गए थे बेटी की ख्वाहिश पे वो जिस तरह उससे घेर रहे थे वो रस्सा ही तुड़ा गया था नागवारी साफ जाहिर थी कि उससे डिमी समझ कर खेलने की कोशिश करना उनकी भूल होगी चौधरी जहांगीर उसे जितना जाहिम समझते थे वो उससे कहीं ज्यादा साबित हुआ था वो चंद लम्हे के लिए चुप से हो गए थे मजीद कोई और बात दाचान के लिए कोई पैगाम चचा जान अंदाज से जाहिर था मज़ीद इस गुफ्तु इस मौजु पे कोई बात करने की बजाय वो कॉल बंद करने का इरादा रखता था बाबा जान से मैं खुद बात कर जहांगीर का लहजा सा नरमीन जो उन पे नजर जमाए बैठी थी उनके अंदाज से मायूस हुई वो तो मना कर रहा है बाबा जान की इजाजत के बाद भी इनकारी हो रहा है उनका लहजा गंभीर था देखा कितनी अकड़ है उसमें सब कुछ उस चुड़ैल इस शाल की वजह से हो रहा है नरमीन खोलने लगी इस शाल की वजह से चौधरी जहांगीर चौंके पसंद करती है सम्हान को और शायद सम्हान भी नरमीन के मुंह टेढ़ा करने पर चौधरी जहांगीर इस हकीकत पे शॉक्ड रह गए थे शदीद गुस्सा चेहरे पे ऊट कर आया था सेलफोन जेब में डालते उसने रुख मोड़ा था और ईशान को एन अपने सामने पाकर एक पल को ठटक गया उसने सारी बातें सुन ली थी था। उसकी उंगली पे उठी थी लेकिन हाली उंगली देखकर उसकी उलछन आई अगले ही लम्हे नॉर्मल हो गया अंगूठी पहनने के बाद से उसकी पहली मुठभेड़ थी उम्मीद तो थी की आतिश फे फटेगा और उस पे ही फटेगा गो के बातचीत बंद थी लेकिन तकल्लफ की दीवार भी गिरेगी इसका भी यकीन था जिसकी सूरत वो मुजस्म सामने थी हुआ सूट आंखें गुस्से और से तने नकोश कर रहे थे गरज चमक सोरों की होगी आई तो वो इसी इरादा से थी उंगली में मौजूद अंगूठी जलता कोयला लगी तो उसी वक्त उंगली से निकाल कर सीवरेज लाइन में बहा दी और तब से उसकी मुंतज थी जो ना जाने कौन कौन से काम सर अंजाम दे रहा था और जब गुस्से से भरी सामने आई तो उसकी गुफ्तगु ने एकदम से झाक की तरह बैठने पे मजबूर कर दिया नरमीन की बार बार पेश कदमी चौधरी जहांगीर की कॉल और उसकी बातें सुनने के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि बाप बेटी का मुद्दा क्या है उन दोनों से नफरत में एकदम से कई गुना इजाफा हो गया था आई तो उस पर भड़ास निकालने के इरादे से थी लेकिन जब बोली तो लहजा धीमा ही था नंबर चाहिए मुझे सीने पे हाथ बांध के लातालुकी से कहा किसका

अगर बातचीत या अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहे तो दे सकता हूँ इसके अलावा माजरत लहजा बदल के छिड़ गया वो जल ही तो गई अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम बात करो बड़ी डिमांड है तुम्हारी बड़े बड़े लोग सिफारशी बन के आ रहे हैं उसके अंदाज पर चल के लहजा तनजिया हो गया वो फीका सा मुस्कुरा दिया अल्लाह शाहिद है हमने तो हमेशा छोटी सी नज़र में रहना चाहा है हैर तुम कहो रईस मिला रईस मियाँ से हलोहाई करनी है या फेवरेट कलर डिश के मतलब जानना है वो जो उसके जुमले की गहराई पे गहरी नजर से देखने लगी थी अगले ही लम्हे उसकी संची पे बिगड़ गई थोड़ी सी गरत है तो डूब मरो स्विमिंग आती है और कोई हुक्म कई दिनों बाद वो पुराने रूप में नजर आ रहा था शायद चेयर अप करने की कोशिश थी बहुत खुश नजर आ रहे हो तुम्हारी मंगनी हो गई इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी मेरी टेंशन कम हुई तुम्हें क्यों टेंशन होने लगी थी मेरी और तुमने और तुमसे किसने कह दिया कि मंगनी हो गई तो हवेली वालों को मैंने बख्श दिया चिंगाड़ी वो अंगूठी तो कई गटर में सीधे-सीधे नंबर 2 रईस मियां या उसकी फैमिली का ताकि मैं कॉल करके बोल सकूं कि मैं उनके टीबी के मरीज जैसे बेटे से शादी नहीं करूंगी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी वो परेशान हुआ मैं ऐसा ही करूंगी सोर देकर कहा इस हरकत से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा उल्टा तुम मुश्किल में आ जाओगी वो समझाने लगा पहले कौन सी आसानियां है मेरे लिए तुम फिकर ना करो इस था, तो तुम नहीं दे और जहांगीर, जहांगीर उसकी फोन कॉल को रो रहे थे यहाँ इस नंबर चाहिए था वो ग्राहम बल को कोस के रह गया शनाया की अचानक वापसी पे हवेली में बाबा जान और बाकी सब को कैसे मुतमिन करेंगे शाहजा शमून कितनी ही देर चौधरी बख्त की दिल जोई करके कमरे से जा चुका था सुनाया और माहम तो पहले ही जा चुकी थी मामुलाद से फरी होकर दिया कमरे में आई चौधरी बख्त का थे चौथरी वक्त तश्वीश भरे लहजे में आहिस्तगी से इस्तफसार करने लगी जब बेटी ने जलील और रस्वा करने का ठेका ले रखा है तो बाबा जानिया किसी और को झूठ बोल के मुतमिन करने की क्या जरूरत है इकरार कर लूंगा अपनी कोताही का अच्छा बाप ना बन सका हथ दर्जा

उन्होंने जैसे उनके नहीं सुने थे उनके चेहरे का रंग मुत्यर हुआ जा रहा था चेहरे पे पसीने के कतरे नमोदार होने लगे थे दूसरी तरफ शनाया चौधरी शदीदे में शाज़र शमून को बुरा भला कह रही थी इस शख्स की इतनी मिचाल के जरा सी देर पे वो मेरे किरदार तक पहुंच गया सिर्फ इस निकाह का ही भ्रम है ना जिसके बलबूते पे वो इतना कह गया मैं इस फसाद की जड़ को ही खत्म कर दूंगी नाइमा के वालिद वकील हैं जल्द ही मिलके उनसे खुला के पेपर्स भिजवाती हूँ मोहतरम को समझ के रखा है मुझे अपने गांव की चाहल मुटियारन होश ठिकाने न लगा दिया तो याद रखेंगे मौसु वो सख्त जुल हुई थी दिया की हदायत पे माह मो सामान पैक कर रही थी उसकी शोला बयानी पे हैरत के साथ उससे अफस, अफसोस भी होने लगा पहले तो मैं तस् कर दूं आप भी के थोड़ी नहीं बहुत देर हुई आपको माना आप जीती है लेकिन जब से आपका निकाह हुआ है आप वीर शाह को चढ़ाने की कोशिश में मामा और पापा को हर्ट किए जा रही हैं और इसका आपको एहसास तक नहीं हो रहा कि वो दोनों आपके अमल से किस कदर हर्ट हो रहे हैं वीर शाह की नजर में छोटे अलग हो रहे हैं और अब आप जो कुछ प्लान कर रही हैं ऐसा दोबारा सोचिए गा भी मत मामा पापा जीते जी मर जाएंगे अगर उन्हें आपकी हरकत की भनक भी पड़ी तो

दिन भर तो फाइजा खुद को संभालती रही लेकिन बहाने लगी गुप्त कर रहे थे तो भड़क उठे जानती हूँ नेता ने बहुत बड़ी भूल की है लेकिन बाबा जान का फैसला उससे कहीं भड़के है आप बाबा जान से अर्ज करें ना कि वो अपने फैसले में तरमीम करके नेता की शादी कहीं भी करते हैं फिर भले उससे कोई रही ना रखे लेकिन ये सजा बहुत सख्त है फायदा दुहाई देने लगी थी बाबा जान ने तो फिर भी रियायत कर दी मुझे फैसले का अख्तियार होता तो उसे जान से मार देता लेकिन नहीं जान से मारना आसान है जब वो पल, पल सिसक कर मरेगी अपने से छोटी बहन बहनों की शादी ससुराल बच्चे होते देखेगी तो बढ़ापे में खुद एडिया रगड़ के मरेगी कि खानदान के नाम और नस्ब के खिलाफ जाकर उसने कितना गलत किया था उससे इबरत का निशान बनाकर हवेली की दिगर लड़कियों के लिए सबक छोड़ेंगे चौधरी फेरोज की सफाकिस से की गई मंजर कशी ने फैजा के आंसुओं को रवारी बख्श दी थी वो भुपक के रोने लगी शाह को बुला लेती हूँ सब जानकर शायद वो बाबा जान को मना सके इस ख्याल के आते ही वो दिन गिरने लगी थी कि उससे गए कितने दिन हो गए थे बड़ी ही बेमुरवत पड़ोसी हो गई तुम लोग बड़े ही बेमुरत पड़ोसी हो भाई तुम लोग घर में शादी है कल और अभी तक ढोलकी की आवाज भी नहीं आई मेरे कानों तक अकेले के लिए ही उपटन भी लगा लिया बहन को दरवाजा बचा था सामने साइमा खड़ी थी जिन्होंने मावरा के जर्द हाथ देखते गिला करना शुरू कर दिया था ढोलकी के खिलाफ है अम्मा बस इसलिए नहीं रखी आप अंदर आए ना मावरा ने खुश हल्की से कहते अंदर आने का रास्ता दिया ऐसी भी क्या साथ की है कहा तुम्हारी अम्मा कई दिनों से तो उन्होंने शक्ल तक नहीं दिखाई साइमा अंदर आ चुकी थी

मेरी हम शक्ल तो नहीं घूम रही तश्वीश तो से कहते साइमा का लहजा शौक हो गया जबकि उनके मुफसल बयान पे मावरा चुपसी होकर उनकी शक्ल देखने लगी मुनजा ने तो खुद कहा था वो साइमा से बात कर रही थी फिर वो उलझ सी गई मैंने देखा नहीं था आपको शायद मेरा वहम हो साइमा उस उसकी तरफ देख रही थी वो संभल के बाद बना गई ऐसा ही हुआ होगा तुमने तो मुझे डरा ही दिया था ऐसा कह के मैं अनुषा से मिल लूँ देखो तो कितना रूप चढ़ा है हमारी दुल्हन पे साइमा अपने मखसूस अंदाज में हंसती भी बोलती आगे बढ़ गई तो वो भी मुस्कुरा दी कमरे की तरफ इशारा कर गई भाई मावरा भाई जब मावरा ने कहा कि मैं शाम को आपके घर आई थी आपा तो यकीन करें मुझे तो बहुत हैरानी हुई है बेदेहानी में कह गई वरना भाई के घर से आकर दो मिनट आराम किए बिना सीधा आपकी तरफ आ गई कि पूछ सकू हमारे लायक कोई काम हो तो बताएं साइमा अंदर बैठी दुनिया जहान की बातें कर रही थी स्कूल की थका देने वाली नौकरी छोड़कर अनुषा माइयों बैठी तो आराम पाकर जल्द ही उसकी आंख लग गई थी एक नजर उस पर डालकर साइमा मुनजा के कमरे में आ गई थी कि वो डिस्टर्ब ना हो मावरा उनके लिए चाय बनाकर वहीं ले आई थी बातों बातों में जब साइमा ने बात दोहराई तो मुनसा के चेहरे का उड़ता रंग मावरा ने बड़ी हैरानी से देखा मुनसा का नजर चुराना बात बदलना सब उससे चौका किया कौन था दरवाजे पे अम्मा ने झूठ क्यों कहा ऐसा कौन सा राज है जो वो हमसे छुपाती हैं उसके अंदर सवाल उठने लगे थे

पड़ा हुआ था बेसमेंट और छत पे मौजूद मुहाफिसों ने अगले ही लम्हे जीप की तरफ छलांग लगाई थी आते घर पर गश्त के लिए

देख लिया पाप को दुख पहुंचाने का अंजाम दिया उस पर बिगड़ने लगी थी चची जान प्लीज शाहजर शमून उन्हें थाम कर दूर ले गया था मुबादा वो शनाया पे ज्यादा गुस्सा ना करें सारा कुछ इस इंसान की वजह से हुआ और अब खुद मासूम बन रहा है दिया के अंदाज और चौथरी वक्त की परेशानी के साथ उसे शाहजर शमून पे रच के गुस्सा आ रहा था उसकी सूरत पे नफरत भरी नजर डाल के वो कतरे दूर खड़ी हो गई थी आंखें बहने लगी थी चौथरी वक्त कितने बेहतरीन बाप थे ये वो अच्छी तरह जानती थी

कितनी तकलीफ पहुंचेगी इन वो एक, देख एक, एक सिमत देखने लगी जहां शाहजार शामून कुछ देर पहले दिया के पास था लेकिन अब दिया और माहम अकेली थी जाने वो कहा था मुहाफजों की फौज हॉस्पिटल हॉस्पिटल के अहाते में मौजूद थी लेकिन जाने ये अचानक कैसे सामने आ गया था नजीरा सुमहान तक हमारा पैगाम पहुंचा दो तो हमारा सेलफोन जरा तंग कर रहा है कमरे में चार्ज पे लगा हुआ है उसे चेक करके अपने पास रख ले और कोई कॉल आए तो सुन ले हम शाम तक हवेली लौटेंगे चौधरी हशमत हॉल के सामने से गुजरते नजीरा को हदायत कर रहे थे और बेवक्त की भूख मिटाती डाइनिंग मेज पे बैठी इशाल जहांगीर के दिमाग में हजार का बल्ब चकमकाने लगा चौधरी हशमत आगे बढ़ गए थे कि नजीरा फंदी तक थी। इशाल लगाती। की में दाखिल हो चुकी थी थोड़ी सी कोशिश से ही मतलूबा नज मिल गए थे अपने सेल में नंबर सेव करके वो बड़ी एहतियात से दाएं बाएं देखकर कमरे से बरामद हुई थी और कमरे से निकलकर यूं पोस्ट करने लगी जैसे सामने से चली आ रही हो नंबर मिल चुका था अब बस जल्द से जल्द ड्रॉप सीन करना था अपने कमरे में जाने तक का लम्हा भी गिरा गुजरने लगा तो वो राहदारी में ही कॉल मिलाने लगी और चंद पल जाने के बाद ही कॉल रिसीव हो गई अस्सलाम वालेकुम वरहत बारीक सी आवाज में सलाम दागा गया था वो एक लम्हे को शिशपंच में पड़ के सेल फोन को कान से हटा कर देखने लगी रईस मिया से बात हो सकती है मोहतरमा उससे हैरानी है हुई कि रईस मिया के नाम से सेफ नंबर पे कोई खतून कैसे उठा सकती है मोहतरमा हम रईस मिया ही बात कर रहे हैं बारीक आवाज में दूसरी तरफ नागवारी दी गई जी अब लाहौल खंभीर आवाज को तस्वुर रख लिया आवाज की नशाकत पर्सनलिटी की तरह थी वो जी भर के बदमसा हुई आपको उन हाथून बात कर रही है अब की दूसरी जानब से तशवीश की गई खातून होगी आपकी लगती सकती खबरदार जो मुझे हातून कहा नागवारी से टोक के रह गई जी यकीनन वो जी भर के हैरान हुआ होगा उसके अंदाजे तहातुब पे क्या जी जी लगा रखी है एक जरूरी मसले पे आपसे बात करनी है क्लास लेते मुद्दा बयान किया पहले तारुफ तो करवाएं आप हैं कौन अजीजी दूसरी तरफ एहतजाब नुमाया था क्या लखनऊ से अभी, अभी मद हुई है आपकी अजीजी वजीजी ना कहे मुझे तो बेहतर होगा मैं एश बोलते बोलते वो और बाकायदा उससे छीना गया है दाजान का पैगाम सुनते ही सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आया कि अगर जो तुम्हें दाजान के सेल फोन की भिनक भी पड़ गई तो तुम मौके से फायदा उठाओगी और वो ही हुआ दाजान के कमरे से तुम्हें चोरों की तरह निकलते देखकर समझ गया था तुम हाथ दिखा गई हो लेकिन कॉल करने की इतनी बेचैनी जाया नहीं किया वो सामने आ गया था और अब खुशमगी निगाहों से उसे देख रहा था फूल गई थी इस हवेली में कुछ ऐसे वफादार लोग हैं जो पेगाम मिलते बू सूंघते ही सर पट दौड़ लगा देंगे वो भी जवाबन तीखे लहजे में मट्टी पलीद कर गई बड़ों के हुक्म पे तो जान भी हा वो मुस्कुराया नीम का पेड़ हासा मजबूत है जाओ जाके फंदा गले में डाल के झूल जाओ वो बुरी तरह दिल मिला गई और कोई हुक्म चढ़ा रहा था ये गुलामों वाले सवाल अपने भड़ों से ही किया करो इतनी ताबीदारी पे शायद किसी अवार्ड से नवाजते मेरे सामने एक्टिंग की जरूरत नहीं मेरा सेल फोन कॉल तो कट गई सेल फोन दोबारा लग जाएगी लापरवाही से कहते फ़ोन लेने ले ले लगी शौक से लगा लो बिना खिलो किए वो सेलफोन उसे धमाके पलट गया उसकी शराफत हैरान होती वो उसकी पुश्त देखती रह गई अच्छा है जल्दी घुटने टेक कर चलता बना कौन सा मैंने उसकी सुनना थी वो सर झटक कर सेल फोन की तरफ मतवहा हुई अरे वो हैरानी से फोन छाने छानेगी ले ले लेकिन वही वह जिसकी उम्मीद नहीं थी किस्मत से हासिल किया गया नंबर सम्हान अफंदी ने कमाल चलाकी से रिमूव कर दिया था सम्हान अफंदी तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी वो भड़क रही थी लेकिन वो सुनने को मौजूद नहीं था। जान जान परेशानी महसूस करके इस अमल से रोक दिया था दिया और माहम। मुस्तकिल हॉस्पिटल में थी दिया की इल्जाम देती नजरे में महसूस करके शनाया खुद को मुजरिम तस्वुर कर रही थी मोहब्बत करने वाला बाप उसकी नादानियों की वजह से इस हाल को पहुंचा था दिया ने बातें भी सुना दी थी, थी और बाप के लिए फिक्रमंद होने के साथ शाहजर शमून को देखकर उसके खून में शदीद उबाल उठने लगा था इन सब का जिम्मेदार वही तो तो था की हालत से से बाहर कहकर डॉक्टर ने ने उन्हें रूम में शिफ्ट किया तो दिया को घर से जरूरी चीज लाने को कहा लेकिन उससे पहले ही शनाया उठ गई इनकी क्या जरूरत है मैं अकेली चली जाती हूँ शाहजर शमून को उठते देखकर वो दिया के आगे बिन बिन आई ये बात उठने से पहले सोचना चाहिए था माहम है तुम हलकान मत हो दिया कि अजनबियत भरे अंदाज पे वो अजब सी हो गई ट्रैवल के साथ जाकर मैं घर से चीज ले आती हूँ शाजर शमून को नजरअंदाज की वो दिया क्या कि मिन मिनाई तुम्हारी मनमानी ने तुम्हारे पापा को इस मुकाम पे ला खड़ा किया है कम से कम अब तो थोड़ी सी शर्म करो दिया के लताड़ने पे वो लब कुछ कुचलने लगी चची जान जो चीजें मंगवानी है मुझे बता दे मैं ले आऊंगा उससे मुकम्मल नजरअंदाज किए वो दिया से मुहातिब था साफ जाहिर था वो साथ चलने से इनकारी थी तो वो कौन सा मरा जा रहा था जाऊंगी मैं हर धर्मी से कहती वो आगे बढ़ गई थी दिया ने इशारा किया तो शाहमुन ने दो चार कदमों में ही जा लिया इस सबके जिम्मेदार आप है ना आप यहाँ आते ना ये सब होता साथ चलते वो खुशमगी निगाहों से घूर रही थी अपने जुमले की तस्ही कर ले न आप बैकबोन टूटने का ड्रामा करती ना आपको कराची लाने की जिम्मेदारी दाजन मुझे सौंपते ना आप रात के सड़कों पे मारी मारी फेरती राजा जान को अपनी तबीयत पे शर्मिंदगी होती जो दिल दर्द में बदल जाती बेहद जताता हुआ लहजा था शनाया चौधरी गर्दन मोड़कर उससे घूरने लगी ये तलहा कौन है सवाल हाशा गर्मतवके था कौन तलहा वो चौंकी आपका क्लास फेलो तलहा अब के लफ्स बम बन गए

कर रही थी और जिम्मेदारियां थी मुन्जा उसे कामों की तफसी बता रही थी इसी असना में उनका फोन बचने लगा था आपकी कॉल आ रही है अम्मा उसने अहसास लाया तो मुनजा बातें रोक कर फोन की तरफ मतवजा हुई सारे काम

तू मेरी बेटी की शादी कर और मैं चुप बैठकर तमाशा देखता रहूं उसकी बाखबरी पे मुनस्का दिल धक से रह गया था कौन सी बेटी तुम्हारी कोई बेटी नहीं है तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है जोर से धाड़ी तेरे बोलने से क्या होता है तेरा मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा कौन सा रिश्ता या केसरफराज तुम भूल रहे हो कि तुमने मुझे तलाक दे दी है कोई तलाक नहीं थी तू अब भी मेरी बीवी है खबरदार हाँ जो तुमने फिर ये बात अपने मुंह से बाहर निकाली कोई रिश्ता नहीं मेरा तुमसे तुम, तुम जैसा बदबخت जितना दूर रहे अच्छा है आ रहा हूं मैं देख कैसे सबके सामने बताता हूं कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे ही ला इल्म रखा वो धमकाने लगा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मुनाजा आने वाले वक्त का एहसास करके लरसने लगी मैं ऐसा ही करूंगा हर धर्मी से जिताने लगा सिर्फ एक रास्ता है तेरे पास नेक नामी से कमाई जिंदगी को बचाने का बदनामी से बचना चाहती है तो डील कर ले अनुषा की भले शादी कर दो तो, लेकिन मावरा को मेरे हवाले कर दो तो, मेरे बुढ़ापे का कोई तो सहारा हो यकिया सरफराज अब अगर तुमने मेरी बेटी का नाम भी लिया तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा मुनसका खून खोल उठा कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास कि तुम इन बच्चियों के वालिद हो मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट है मरहूम शोहर का और अपनी बच्चियों के बाप की तस्वीर भी है क्या कर लो कि तुम जब बच्चियां खुद कहेंगी कि तुम उनके वालिद नहीं मावरा ने तो तुम्हें देखा है क्यों ना भेज चल सकी तुम्हें क्योंकि मुझे अंदाजा था जिंदगी के किसी न किसी मुकाम पे तुम जैसा दरिंदा हमें नोचने को जरूर ढूंढ निकालेगा ऐसा क्या किया है तूने किस यार की तस्वीर दिखा रखी है बेटियों को या कि सरफराज गालियों पे उतर आया कल जिसके हाथों पिटे एहसास नहीं हुआ मुनस्सा कल हैजा इस्तेहजैया हो गया कौन था वो क्या किया चौंक किया उसके डर से मुनस्सा को हौसला हुआ चौधरी जहांगीर को तुम हरगिज़ भूले नहीं होगे आ जाओ बेटी की शादी में तमाशा करने मुमकिन हुआ तो मुलाकात भी हो जाएगी उससे उसके बेटे ने जो हाल किया है उम्मीद है कुछ अफाका आया होगा कहो तो जहांगीर को भी मुलाकात के लिए बुला लूँ बस कंफर्म कर दो तो तुम आ रही हो बाकी काम मेरा है मुन् डर को हथियार बनाए इस्तेमाल कर रही थी वरना खुद उनका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था अगर जो वो आकर तमाशा करता तो वो कुछ तो जो कुछ उन्होंने कहा सारी तैयारी के बावजूद एक शख्स का का आकर पीवी का दावा करना बहुत कर उन्होंने कहानी घड़ी थी और इसका असर हाथिर ख हुआ था उससे रबते में है तू य सरफराज दांत पीसने लगा उसके बेटे की हाथों दुर्गत बनने पर भी तुम्हें शक है, है तुम्हें क्या लगा था पैसे देते मैंने बस धमकी दी थी चलो तुम कुछ करो तो फिर नफसे नफीस तुम्हारी मुलाकात करवाती हूँ वो अभी बेखबर है कि तुमने हमें ढूंढ निकाला है मुनजा का माले सकून से लफ्जों की माला पे रो रही थी और यखिया सरफराज चौधरी जहांगीर का सुनकर ही गालियों का तूफान निकालने लगा था क्योंकि और कुछ करना उसके बस का काम नहीं था मुनजा ने खामोशी से कॉल बंद कर थी हवेली में इतना कुछ गर्मी हो रहा था कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है नहीं आपी का, का जहांगीर उनसे फासले मौजूद मैगजीन की वर्कदानी कर, कर रही थी फिर शायद कुछ पसंद ना आने पे थप से बंद कर गई सारी बातों पे अफसोस एक तरफ लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा हैरत ऐशाल के खामोश रहने पे है कहाँ तो ये लग रहा था हवेली में भुनचाल आ जाएगा और कहाँ ये चुप बैठी है शाजिमा उसे नजरों में रखते दबी जुबान में गुफ्तु कर रही थी हैरत तो मुझे भी है लेकिन हवेली में रहने की वजह से अंदाज़ा हो गया है कि ऐशाल ने भी जैसे हथियार डाल दिए हैं हमारे माँ बाप हवेली में मौजूद हैं इसके बावजूद निदा आपी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठी जबकि एशाल तो ये टीम है वो क्यों कर हिम्मत करेगी यमुना का लहजा अफसोस लेकिन तलखील लिए हुआ था क्या बाकी इस साल की शादी उस टीबी के मरीज से हो जाएगी सच मेरे तो सोच के ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं जरिश को आ रही थी हिम्मत के लिए वाले होने की जरूरत नहीं है माई डियर कौन सी मंगनी कैसी मंगनी उस दो टके की अंगूठी को जिसे मंगनी का नाम पे पहनाया गया उससे तो मैं गटर में बहा चुकी रही उस खोनचू से शादी की बात तो ऐसा तो मर के भी मुमकिन नहीं होगा वक्त आने दो तो हवेली से भाग जाऊंगी और ये ना कर सकी तो हवेली को ही आग लगा दूंगी को निजात मिल जाएगी ये लोग मेरे वजूद को कफन तो पहना सकते हैं मुझसे निकाह नामा पर साइन नहीं करवा सकते फिक्र ना करो तुम सब तमाशा तो शादी के दिन होगा वो भी टका उनकी सरकोशी से बजहिर लातालुक है लेकिन जब मैगजीन में सर दिए दिए ही बोलने लगी तो सभी दम सुनने लगी ना लफ्जों में घन घरज थी ना लहजा आग उल, उगल रहा था लेकिन सपाट अंदाज इतना बेखौब और दो टॉक था कि एक पल को सब चुप सी हो गई हैरत और दुख उस वक्त तक होता है जब तक आर्य पार की कैप की तारी ना हो जब ठान लिया जाए कि जिंदगी और मौत के बीच समझौता जरूरी है या सिद्ध तब लहजा बेखौफ और अंदाज सपाट हो जाते हैं वो जैसे सब कुछ ठान बैठी थी अपनी हम असरों पे एक मुस्कुराती नजर डालकर पलटी थी और ऐन पीछे समाना फंदी को देखकर एक पल को रुकी वो भी बात देख रहा था अंदाज से साफ जाहिर था वो सारी बातें सुन चुका है और उसने कौन सा सरगोशी में कही थी जो वो ना सुनता उससे करके वो हॉल से निकल गई थी क्या बकवास कर रही थी तुम सबके सामने वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब सीढ़ियों में ही उसे जा लिया यू नो यू नो दिस वर्ल्ड बकवास तो मैं करती नहीं हूँ जताते हुए बोली तो तुम हवेली से भाग जाओगी वो नजरे जमाए खड़ा था नजरे कड़ी और लहजा नापसंदीदा दीदा था जैसे उसकी ये बात उसे अच्छी ना लगी हो क्यों तुमने मुहाफिजों की फौज मेरे पीछे लगाना है इससे हिजाइ अंदाज था तुम्हारे लिए मुहाफिजों की फौज की क्या जरूरत है मैं अकेला ही काफी हूँ ऐसे किसी भी ख्याल को अमल पहनाने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे हर अमल पे हवेली वालों से पहले मेरी नजर है रखो नजर किसने रोका है शादी करके आपको सुकून पहचाने का जरिया बनो है ना जला कटा अंदाज था सिर्फ मुझे नहीं तुम्हें भी सुकून मिलेगा जब शादी करके चली जाओगी यहाँ से तुम्हें यू भी हवेली से वहशत है दम घुटता है यहाँ के असूलों से ओ यानी क्या अच्छा हल निकाला है आपने मेरी मेरी वहशत दूर करने का तालियां तो बनती हैं आपके लिए राखवत से कहकर वो तालियां बजाने लगी वो लब फिंचे देखता रहा किसी भी ऐसे वैसे से शादी अगर मसले का हल है तो ये ऑप्शन आप इस्तेमाल कीजिए और दाजान से कह दें कि जल्द ही आपके सर पे सहरा सजाएँ ताकि आपका मसला हल हो मेरे लिए सोचने के लिए मैं अकेली ही काफ़ी हूँ मुझे ना किसी का डर है ना किसी के टिकटेशन की ज़रूरत पल भर में उससे दो कोड़ी का कर गई हमेशा वही नहीं होता जो इंसान की सोच और प्लानिंग का हिस्सा हो हमें किस्मत और नसीब का भी सामना होता है खुद होकर अपने मुफाद के लिए सोचकर कर का नुकसान करने वाले तारीख में कभी अच्छी निकाह से नहीं देखे जाते अमर होने के लिए जब्त बर्दाश्त और आला जरफी की जरूरत होती है अंदाज नासुखाना था वो घूर के रह गई आप मेहमान बने तारीख में अपनी गुलामी को सुनहरी खरूफों में लिखवाएं लेकिन मेरा रास्ता रोककर फिर से अच्छा इंसान बनने का फतवा लगाने आए तो मुझसे अच्छी उम्मीद मत रखिएगा नफरत है मुझे आपसे और आपके अकवाल जरी से बुसलो के मुंह लगना मैं यूं भी अपनी तोहिन समझती हूं। रच की उसकी गिलास लेकर वो रुकी नहीं थी समाना फंदी जब्त करके रह गया था क्या कहा वक्त को हार्ट अटैक चौधरी हशमत खाने की मेज से चंद कदम ही दूर थे जब उनका सेलफोन बजने लगा चौधरी जहांगीर की कॉल देखकर उन्होंने नॉर्मल अंदाज में गुफ्तु शुरू की थी लेकिन उनकी जानब से मिलने वाली इतला पर वो ठटक गएहाज ने उनका जुमला सुना था और अब सबकी नजरें उनकी जानब उठी हुई थी बेगम का ममता से हरा दिल फड़फड़ाने लगा जी बाबा जान भाई को हार्ट अटैक आया था रात मैं मिल आया हूँ अब हालत खतरे से बाहर है चौधरी जहांगीर इतलाह दे रहे थे हमें किसी ने इतला देना भी गवारा नहीं किया शाह ने भी नहीं उन्हें इस ने आ लिया। आप परेशान ना इसलिए इतला नहीं था कि वो बेखबर हैं और अब बात संभाल रहे थे परेशानी अपनी जगह लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई और हमें किसी ने इतला देना भी नहीं किया बात करते हैं हम बहू और चौधरी हशमत गुस्से में आ गए ठंडे हो जाए बाबा जान भाई अब हदरत से बाहर है शायद मैंने आपको बताकर गलती कर दी एक जरूरी बात करना थी आपसे गलती क्या है तुमने तो हमें इतला दी शुक्र है बख्त से है है बात तुम्हारी भी दुरुस्त है कि हमारी परेशानी महसूस करके उन्होंने इतला नहीं दी लेकिन हैर कहो क्या बात करना थी अंदाज कुछ धीमा हुआ सुबह बीबी जान से बात हुई सुना है आपने एशाल की मंगनी कर दी बेहतर होता आप उसे रुखसत ही कर देते नागवारी से मंगनी करती है तो रुखसत भी करते नागवारी से कहा मंगनी करती है तो रुखसत भी कर देंगे तुम परेशान ना हो बाबा जान मैं चाह रहा था नरवीन और सम्मान की मंगनी की बजाय निकाह जल्द से जल्द हो जाए बेहतर है आप सब पख्त भाई को देखने के बहाने आए और साथ ही निकाह का फरीजा भी अंजाम दे दें कह तो ठीक रहे हो हम बात करते हैं सबसे सब, सब यहाँ मौजूद हैं चौधरी तो तो हशमत हसमत सोच अंदाज में सबसे निगाह डाल के रह गए बेहतर है बाबा जान आप सोचकर मुझे जवाब दे दीजिए ताकि मैं होटल में बुकिंग करवा लू चलो ठीक है अलविदाई कलमात कहकर चौधरी हशमत ने फोन बंद करके कुर्सी संभाली तो सबकी नजरें उन पे लगी रही क्या हुआ है, को हुआ था। लेकिन शुकर, अब से बाहर है। चारों तरफ शुक्र के कलमात अदा होने लगे थे समहान अपनी और मेरी टिकट बुक करवा लो हम कराची जा रहे हैं जुमरद बेगम आप चलना चाहें तो आप भी चलें बाकी सब बाद में आ जाएंगे चौधरी हसमत पुरसोच अंदाज में गोया थे सब क्यों

कराची जाने में कोई दिलचस्पी है न किसी के निकाह में सन्नाटे में इशाल जहांगीर की पाटदार आवाज गूंजी थी सब ही की गर्दन उसकी सिमत मुड़ गई थी जो बेखौफ ग्लास में पानी डलने के बाद लबों से लगा गई थी आंसू की नमी के कोने से जाहिर थी जिसे सिर्फ सम्हान अफंदी ही महसूस करके कर् से लब फिंच गया था गुस्ताख लड़की हमने तुम्हारी राय कब मांगी चौधरी हशमत की आवाज गुस्से से लड़सने लगी थी आपने नहीं मांगी लेकिन बताना मेरा फर्ज था माहौल में सरासीम की सी फैल गई थी हर कोई अपनी जगह हवा से इस माहौल का हिस्सा था लड़कियां थर थर कांप रही थी तो खबिनो हजरात उसकी जीत दारी पे शशतर रह गए थे सम्हान अफंदी सपाट तासरात लिये मौजूद था चौधरी हशमत शरत बार नजरों से उसे घूर रहे थे और वो बेफिक्री का अजीम मुजाहरा कर रही थी इशाल अपने कमरे में जाओ जुमरत बेगम ने सूरत हल सम्भालते मुदाखलत की थी जा रही हूँ दी जान लेकिन दा जान को समझाती कि मुझे कराची जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है अब के वो नरम लेकिन साबिका मुतालबा मता, दोहरा गई लड़की ऐसा ना हो कराची के तुम हवेली से निकलने के काबिल ना रहो जुमरत बेगम को सालस बनाकर उसने अपनी बात दोहराई तो चौधरी हशमत का जलाल ऊट कराया आप परेशान ना हो बच्ची वही करेगी जो आप कहेंगे जुमरद बेगम ने ऐशाल जहांगीर का हाथ दबाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया उसके तने असाब पुरसकून तो नहीं हुए लेकिन जुमर्द बेगम के लिहाज पर वो खामोश रह गई बाबा जान बख्त भाई जान की अयादत के लिए कराची जाने में किसी को कोई मुमानत तो नहीं लेकिन इसी वीक बी जान और हम सपने उमरा की अदायगी के लिए जाना है इतनी जल्दी निकाह की तैयारी कराची में मुमकिन हो सकेगी हाल को बदलने के लिए चौधरी असवंत ने लबकुशाई की सम्हान अफंदी लब भींच किया। ये तो हम भूल ही गए थे मौजूदगी की की जरूरी है की सम्हान उनका बेटा है फिर दी जान भी मौजूद नहीं होगी उनकी गैर मौजूदगी में तकलीफ कैसे होगी कराची में निकाह जहांगीर की ख्वाहिश होगी बाबा जान लेकिन वहािब तो नहीं होंगे मुनासिब नहीं कि निकाह की तक ही रखी जाएगा जो आपको मुनासिब लगे आप कहेंगे तो हम अपने सफर की तारीख आगे बढ़ा लेंगे चौधरी फेरोज ने तहफ सात गिनवाए तो चौधरी असमंद नेताइ के साथतमंदी का मुजाहरा किया नहीं अल्लाह के घर से बुलावा बार बार नहीं आता तुम सब जाओ हम सोचते हैं कुछ चौधरी हशमत की पुरसोच आवाज निकली तो सब सर हिला के रह गए ऐशाल जहांगीर की बेहोफी ने उनके लिए मजीद मुश्किल पैदा कर दी थी लेकिन भला हो चौधरी असफंद और चौधरी फेरोज का

कॉल मिलाते सुहांदी ने माहौल की असरारीत को बड़ी अच्छी तरह महसूस किया था और ना चाहते हुए भी कराची के लिए टिकट बुक करवाने लगा अब तो तो आप सब कुछ जान चुके चुके से मिल चुके, तो फिर मैं उम्मीद रखूं कि आप खुद ही तलाक दे देंगे या फिर मैं खुला के बारे में सोचूं। सारा रास्ता मुकम्मल खामोशी रही थी भिनचे से ड्राइव करते शाहजर शामून ने उससे मुहातिब भी नहीं किया था घाड़ी पोर्च में आकर रुकी तो चनाज चौधरी ने सवाल करना मुनासिब ख्याल किया ताकि उसके ख्याल से आगाही हो सवाल पे शमू ने तफसीली निगाह डाली थी चेहरा गलेामत ना, तो ना, ना हो लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है की ऐसी नाखनजार औलाद बाप को बिस्तर तक ले आई जो लड़की सके बाप की परवाह किए बिना अपने नफ्स के आगे दौड़े उससे कोई भी अच्छी उम्मीद रखना हीच है अगर आप ये समझ रही हैं कि आप में कोई सुरखाब के पड़ लगे हुए हैं या मैं आपके इश्क में मरकर आपको निकाह में रखना चाहता हूं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है फड़ों के कहने पे आप जैसी नाकबले बर्दाश्त हस्ती को अपने नाम के साथ नथी करने पे मजबूर हुआ और निकाह के बाद से ना चाहते हुए भी आप पे नजर रखना मेरी जिम्मेदारी है आपके लिए निकाह की कोई अहमियत नहीं होगी लेकिन मेरे लिए इससे बड़ी कोई हकीकत नहीं कि निकाह के नाम पे सारी जिंदगी आप जैसी बद लड़की को बर्दाश्त करना है फिर, कभी से, है। आपकी नहीं याद फिर से खुला तलाक जैसे लफ्ज से निकालने पर आपका हशर भी बुरा हो जाएगा नापसंद तो आप शुरू से हैं अब तो नफरत सी हो गई है मोहब्बत होती तो शायद माफ करके दरगुजर करते थे लेकिन नफरत के इस खेल में आपका स्कोर हर घड़ी बढ़ता ही जा रहा है जिसका खुमियाजा आपको सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा मनकुहा बीवी बनकर भी आप शाहजा शमून के साय को तरसेंगी कभी छोड़ूंगा नहीं आपको लेकिन इस काबिल भी नहीं समझता कि बीवी का दर्जा तो आपकी हैसियत अहमियत मेरे नज़दीक पैरों तले आती चूंटी से भी कम है जब चाहूँ मसल के गरूर हाक में मिला दूँ लेकिन आपके लिए अपनी थोड़ी सी भी एनर्जी खर्च करूँ आप इतनी भी अहम नहीं उम्मीद है इस खिताब के बाद अपने खूबसूरती समेत आप सारी खुश फहमी से निकल आई होंगी मेरे नाम पे दस्तखत करती हैं तो बस समझे मौत का परवाना ही अब आपको इस कैद से निजात दिलाएगा शक्ल गुम करें अपनी चाची जान ने जो सामान मंगवाया है उसे तैयार करके मेरे साम मेरे हवाले करें और आपको मेरे साथ दोबारा सफर करने की भी जरूरत नहीं है आपकी मौजूदगी बाईस घुटन है मेरे लिए जमाने भर की नफरत और हकारत उसके लहजे में आसमाई थी उसकी जात को दो कोड़ी का करके वो रुका नहीं था रोंदता हुआ अंदर फट गया था और पीछे वो शोला बनी। इस हकारत के एहसास से भस्म हो रही थी। जाहिल इंसान को मुझसे नफरत है तो मैं कौन सा उसके फराक में मरी जा रही हूँ अपने कमरे में टहलते वो अपना गुस्सा ठंडा कर रही थी लेकिन उबाल था कि उठता जा रहा था समझते हैं मैं उसके हुक्म की गुलाम हूं नफरत करता है मुझसे माई फुट बात मैं बताऊंगी नफरत कैसे करते हैं निकाह हो गया तो जैसे खरीद लिया मुझे उसके इशारों पे चलूं मेरी जूती को परवाह नहीं उसके अहकाम की वही करूंगी जो मेरा दिल चाहे होता कौन है मुझसे बकवास करने वाला बड़बड़ाती हुई वो जरूरी समान से बैठने लेकिन ध्यान बार बार भटक रहा था उसके कहे लफ्जों की बाश बास से तन मन सुलग रहा था कैसी तसहीक सी तसहीक थी उससे नीचा दिखाने के है दिखाने उसके खिलाफ प्लान उसके खिलाफ चलने का प्लान बनाते वो तलखा का हादसाती टकराव और शाजर से छूट के शाहजार की हदायत कर रहा था जब पोर्च में गाड़ी के टायर बुरी तरह चढ़ चढ़ाने की आवाज से पोर्च तक आया लेकिन तब तक शनाया चौधरी अपनी घाड़ी निकाल ले गई थी बैग व्यू मिनट से शाहजुर्मुन को आते देखकर शनाया चौधरी के चेहरे पर इस तेहिया रंग फैल गए थे जिसे कड़े तेवर के सशास संशमून ने बागौर देखा था उसके लफ्जों को वो बुरी तरह चैलेंज कर गई थी दुखा मेनू मार मुकाया सुखा दा ए काल नी मइए जिंदरी में निभती नहींपती नाही एक बारी फेर पाल नी मइए तुमने जाने में इतनी जल्दी क्यों की माँ? जरा नहीं सोचा कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी ऐशाल का क्या होगा ये भी ना सोचा कि जब तुम उनके सितम बर्दाश्त ना कर सकी तो तुम्हारी ऐशाल कैसे बर्दाश्त करेगी सासों का हराज देकर तुम तो चली गई और अपनी ऐशाल को इन बेरहम लोगों के हवाले छोड़ गई यहाँ कोई अपना नहीं है माँ कोई नहीं जिसे अपना समझते रही उसके लिए हवेली वालों से वफादारी मुझसे भड़के है वो मुझे सूली पे चढ़ते देख सकता है लेकिन हवेली वालों के खिलाफ नहीं जा सकता कम हिम्मत बुजदिल इंसान है मैं कहाँ जाऊँ मां किसको अपना दर्द बताऊं किससे कहूँ कहूं कि अब बर्दाश्त नहीं होता अब सहा नहीं जाता? तुम्हारी इशाल का रिश्ता तय हो गया तुमने देखा ना सच बोलने की कैसी सजा मिल रही है तुम्हारी इशाल को ये लोग जो चाहते करते हैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी लेकिन वो नहीं करूँगी जो हवेली वाले चाहते हैं जो वो चाहता है अच्छी लड़की बनके के कम्प्रोमाइज की जिंदगी नहीं गुजारूंगी वो नहीं तो कोई नहीं वो नहीं समझता माँ वो भी हवेली वालों की तरह जालिम है उन्हीं की तरह बेहिस उससे भी मेरा दर्द नजर नहीं आता वो तुम्हारी दुश्मन की बेटी को अपनाने जा रहा है मैं क्या करूँ माँ कैसे रोकू उसे जो खुल के अपना का इजहार तक करने की जरूरत नहीं रखता बहुत गलत शख्स को चुन लिया इस दिल ने मां बहुत गलत शख्स को जब कोई सुनने वाला ना हो तो अपना आप ही होता है जिससे कथारस किया जाता है मां नहीं थी मुश्किलों से पुराने एल्बम में सायका की तस्वीर मुली थी चौधरी जहांगीर के डर से सब ने सायका की यादें तक मिटा दी थी लेकिन अकलौती तस्वीर फायजा के एल्बम से निकल आई तो वो साथ ले जाने की जिद करती रही फायजा देने में तामुल कर रही थी कि मुबादा किसी की नज़र पड़े और उनकी सख्ती आ जाए ताईजान अपनी माँ के नकूश मेरे हाफिज तक से महव हो गए थे छोटी थी क्या खबर थी कि इतनी जल्दी अकेली चली जाएंगी खबर होती तो जी भर के देख लेती नक्ष दिल में बसा थी किस्मत से माँ की तस्वीर मिल गई है तो आप देने से डर रही हैं है आई इस तस्वीर के लिए आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी बहुत छुपा के रखूंगी तस्वीर को मेरे पास माँ की यही आखिरी निशानी होगी प्लीज ताईचान मुझे दे दे वो इतनी लचाहत से बोली थी कि फाइजा का दिल कटने लगा एक बेटी माँ की तस्वीर भिकारन बन के मांग रही थी पहले ही इतनी महरूमिया नसीब में आई थी कि उनमें मस्जिद का इजाफा करना फायसा को अच्छा नहीं लगा और तब से जब कभी जिंदगी तंग लगती थी साइकिल की तस्वीर आगे करके वो कथारस करने लगती थी और दिल का भोज बोझ हल्का होने लगता था अब भी घुटने सीने तक समेटे साइकिल की तस्वीर से बातें करते आंसू तेजी से तस्वीर पर गिर रहे थे आंसुओं की यार से गला गला दुखने लगा था तभी उसकी सरसराती आवाज निकली शायद वो ना हो जो मैं चाहती हूं लेकिन वो भी नहीं होगा माँ जो ये सब चाहते हैं इन सब को जीतने नहीं दूंगी तुम्हारी इशाल इतनी बुसल नहीं है जो खामोशी से अंधे कुएं में छलांग लगाकर इन्हें जीतने का मौका दे अगर बाजी ना पलट सकी तो अपने पास जगह रखना मैं जल्द आऊंगी माँ रोते रोते हिचकी बन गई आवाज डूब गई थी। सूरज निकलते ही ने उससे चकफेरी बना दिया था गो के आस पड़ोस के चंद लोगों को ही मतू किया गया था पचास अफरात तक बाराती की आमद मतवका थी जिनके बैठने का इंतजाम बाहर गली में टेंट लगाकर किया जाना था जहां डेकोरेशन वाला अपनी जिम्मेदारी पूरी कर गया था कर रहा था निकाह घर में होना था औरतें तो हर जगह दंदनाती फिरती हैं ख्याल से ने उसे रखा था अकेली मावरा गुलाब चादर दस्तरखान और अनुषा को दुल्हन बनाने के ख्याल से परेशान बार बार घड़ी की ओर देख रही थी अम्मा सारे काम कर दिए कुछ रह गया है तो बताएं वरना फिर मैं अनुषा को तैयार करने का काम शुरू करूं वो किचन से पसीने में शराबूर्ट निकली बिरयानी की देख पकवान सेंटर से वक्त पे आ जाती लेकिन आने वाले मेहमानों के लिए मशरूब और मीठा बनाने की जिम्मेदारी तो 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 भी वक्त कम है मुन्जा ने सुकून का इजहार करते वक्त की कमी का एहसास दिलाया तो, तो वो सर हिला गई आपका सूट आयरन करके कमरे में रख दिया है आप भी तैयार हो जाए और परेशान ना हो सब अच्छे से हो जाएगा गर्मी बहुत है है भी दिन की शादी सोच रही हूँ बर्फ मंगवाकर पानी ठंडा कर वरना लो वरना लोग कहेंगे इतनी तपती दोपहर तो में खोलता हुआ पानी पिलाया उसकी बात अनसुनी किया मुनजर ने पुरसोच दास से कहते तायदी निगाह डाली तो वो भी असबात में सर हिला गई ये बेहतर रहेगा गर्मी तो वाकई बहुत है फिर मैं जाती हूँ शायद शाहिद भाई को बर्फ़ के पैसे देने बाहर डेकोरेशन वाले को भी देख लूँ उसका काम मुकम्मल हुआ भी के नहीं ये ना हो टेंट लगने से पहले बारात ही आजे की पे उसका सर में कान की अंदाज में घूमा था वाले बेटा तुम तो वाकई आ गए बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर शिलवर सूट पे वेस्ट कोट पहने फ्रेश चेहरे के साथ मुस्कुराते ऐशान जा को देखकर मुनजा जैसे निहाल हो रही थी और वहीं

कलमात से वो शशतर रह गई थी कि मुनजा ने उससे हुक्म भी दे दिया इतनी जल्दी पंखे में बैठने थोड़ी आया हूँ आंटी आपकी मदद करवाऊंगा साथ लग के हाँ लेकिन शरबत पीने के बाद कुनखियों से उसके शराबूर खुलिए और चेहरे की तपिश को महसूस करते उसकी मुस्कुराहट लबों से जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी उसे देखकर मुनजा को किसी कदर सुकून मिला था वो बता नहीं सकती थी गो के छूट बोलकर उन्होंने दिमाग सोच सोच पकड़ने लगा था उन्होंने जा को बुलाने के ख्याल को अमली जामा पहनाया था इज्जत से आज का दिन निकल जाने के लिए वो दुआ गौ थी तनहा औरत का बेटी की शादी करना कितना मुश्किल अमल था उन्हें बाखूबी अंदाजा था और इस वक्त जबकि यखिया सरफराज जैसा

दोबारा शोखी का इजहार हुआ तो उसने सख्त नजरों से देखने का नागवारी का खुले में कर दिया तो वो हुआ। जितनी मर्जी बेजती कर ले अब आपकी बातों का बुरा नहीं मानता अजीब मैनीहजा था वो मुनजा के कमरे की और फरने लगा था मावरा यही बुरी तरह चौंक कर उसकी पुश्त को देखने लगी थी ये मेडिसन ले ले चौधरी बख्त कई घंटों की के बाद रूम में हो गए थे एक गहरी खामोशी उनका उनका घेराव कर चुकी थी दिया और ध्यान की कोशिश कर रही थी लेकिन उनकी खामोशी नहीं टूट रही थी अपने जिंदा बच जाने पर वो जैसे नाखुश से थे शनाया और शाहजर शमून के घर मौजूदगी पे उन्होंने बस सवाल उठाया था और जवाब सुनकर चुप हो गए थे उनकी खामोशी पे दिया मेडिसिन लिए खड़ी थी तभी उनका सेलफोन बजने लगा हवेली से दाजान की कॉल है हम फोन के पास ही इतला थी मी, लेकिन नागवार में गोया हुए इतला तो किसी ने नहीं, नहीं दी शाह ने भी मना किया था तो मैंने किसी से कोई बात नहीं की मामूल की कॉल होगी दिया जल्दी से सफाई देती कॉल पिक कर गई थी नहीं बाबा जान वो असल में दरअसल उनके सवाल के जवाब में जाने क्या कहा जा रहा था कि वो गड़बड़ा कर सफाई देने के लिए कोशिश रहा थी लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें बोलने का मौका दिए बिना चौधरी बख्त बोले जा रहे थे दिया के अंदाज से उन्हें कुछ कुछ अंदाजा हो गया कि वो शायद बाहबर हो चुके हैं और अब दिया की क्लास लग रही है बख्त अब ठीक है बाबा जान जी जी करें उनसे बात दिया गड़बड़ा कर चौधरी बख्त की तरफ देख रही थी कुछ जाके वो बात कर भी पाएंगे कि नहीं उनके अंदाज को समझकर उन्होंने पहले ही हाथ बढ़ा दिए थे उनको थमा दिया नहीफ कमजोर आवाज में उन्होंने सलाम किया था चौधरी हशवत नमनाक आवाज के साथ गला गिला अमेज कर रहे थे आप परेशान होंगे ये सोचकर किसी ने आपको नहीं बताया होगा बाबा जान लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं बस थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो जाऊंगा समझाने लगे थे हमें बहुत नाराजगी है सबसे शाह ने भी इतला नहीं दी तुम लाख कहो कि ठीक हूँ लेकिन हमारा दिल नहीं मान रहा रात की फ्लाइट से हम आ रहे हैं कराची सम्मान के साथ चौथरी वक्त बेकरारी से गोया हुए मैं जानता हूँ बाबा जान आप हवाई सफर को सख्त नापसंद करते हैं लेकिन मेरी मोहब्बत में आप बेआराम हो ये गवारा नहीं यकीन करें मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब से आपको फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं आप ना आए बाबा जान आज डिस्चार्ज ले मुमकिन हुआ तो रात वरना अगले दिन हम हवेली आ रहे हैं हमेशा के लिए दिया और माहम चौंक कर एक दूसरे की शक्ल देखने लगी थी वाकई तुम हमेशा के लिए आ रहे हो लेकिन इस वक्त तुम्हारा सफर करना मुनासिब नहीं खुशी का इजहार करते चौधरी हशमत फिक्रमंद हुए यहाँ रह के जितनी अजियत में महसूस कर रहा हूँ सफर की अजियत तो इससे कम ही होगी बाबा जान रंजीता लबोलहजे पर दिया लब काटने लगी थी ये तो तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी हम हवेली में सबको बताकर तुम्हारे लॉर्ड आने के इंतज़ामात करवाते हैं खुशी उनके अंदाज़ से छलक रही थी चंद एक बात करके उन्होंने कॉल मुनकते कर दी थी दिया बेगम डिस्चार्ज के साथ अपना और मेरा रिजाइन लेटर भी हॉस्पिटल में जमा करवाती जाइएगा माहम बेटा घर जाने के बाद पैकिंग कर लो हम हमेशा के लिए हवेली वापस जा रहे हैं दिया को हता देखकर वो माहम को مخاطब करके उसकी शक्ल देखने लगे कि शायद की तरह उससे भी एतराज हो ओके पापा मैं कर लूंगी आप परेशान ना हो उसकी मुस्कुरा कर कहने पर आंखें मूंद गए थे सब उनके फैसले को बिना चून चढ़ा चुण किए मान गए थे और इस फैसले से वो ही नावाकिफ थी जिसके एतराज के वाजिया इम्कान थे कभी यून जो हो किसी दिन नगर मेरे हम सफर तू जो ना मिले मैं हजार धड़कनों को खींच कर ये जो चलता दिल है बांध दूं ये जो सिलसिले हैं मेरी सांस के तेरी दूरी में ही हार दूं तू जो पास हो तो मैं जी सकूं तू जो दूर हो ना जिया करूं जिंदगी का खूबसूरत लम्हा मोहब्बत के दिनों में कैद है जहां दिल फरेब बातें आज भी लबों पे मुस्कुराहट बिखेर देती हैं तो दिल शिकन यादें आंखें नम कर देती हैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मोहब्बत कभी बेअसर नहीं रहती और जो बेअसर हो वो मोहब्बत नहीं होती मोहब्बत के लिए अल्फाज नहीं जज्बात होते हैं जज्बात दिखाई नहीं देते बस महसूस किए जाते हैं कर सको तो कर लो कि ये पागल तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है लड़ता है झगड़ता है लेकिन तुम पे मरता भी है मुझे नहीं पता तुम मिलोगी या नहीं मेरी बाहों की गर्मी सीने की ठंडक महसूस करके मेरे दिल की धड़कन कान लगाकर सुन भी सकोगी या नहीं लेकिन इतना जरूर है उम्र भर यह दिल वेरान नहीं होगा तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा एहसास तुम्हारी बातों ने दामन दिल को सजा रखा है जो तुम मिल तो जिंदगी से कोई शिकवा नहीं रहेगा जिंदगी तुम्हारे साथ महसूस होती है तुम हो तो मैं हूं लब्ज़ों की हिद्दत बढ़ने लगी थी कमरे की तारीकी सफेद परतों की ससराहट ने चट्टान जैसे दिखाई देने वाले सुल्तान अफंदी को अया कर दिया था इशाल जहांगीर समेत हर एक को बज़ाहिर मुतमईन दिखाई देने वाला अंदर से कितना टूट-फूट का शिकार था यह शायद कोई जान भी नहीं सकता था पहले शाह से निस्बत तय होने की खबर फिर नर्मीन का तलबगार बन के सामने आना और अब इशाल की रईस मियां से मंगनी वो मज़बूत सावना रखता तो शायद अब तक हवास ही खो बैठता हालात तो वाक़ात ताबे तो कभी नहीं रहे थे लेकिन हुआ लेकिन हवा इतनी मुखालिफ में चलेगी इसका भी अंदाज़ा नहीं था विशाल की बेसब्री और बागीना रविश ने उससे इतनी जल्दी उभार दिया था कि उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग धरी की धरी रह गई थी उसे सताना चढ़ाना अपनी जगह लेकिन उसका बिखरता वजूद देखना कभी आसान नहीं रहा था वो जब भड़क कर मुकाबिल आ खड़ी होती थी तो उसे हैंडल करना दुश्वार लगता था अपने कर्प को छुपाकर उसके दर्द की टीस से बर्दाश्त करना दोपहर हो जाता था करता भी तो क्या फिरता भी तो किस से उनसे जिनके लिए जान की बाजी लगाई फिरता था सुस्त रवि से चलते कदम रैक पर आकर रुक गए थे दराज खुला था और उसमें से एक पेंडोरा बॉक्स खुला था जिसके ऊपर सुनहरे लफ्जों में ड्रीम दर्ज था बॉक्स उठाए वो बेड तक आ गया था और देखते ही देखते उसमें से निकलकर कितनी ही चीजें बिस्तर पे बिखर गई थी माजी की यादों की तरह कहीं एशाल जहांगीर की छोटी सी पोनी थी तो कहीं लॉलीपॉप लॉलीपॉप लौल, की स्टिक कहीं छोटी सी पोनी में स्कूल के पहले दिन की इशाल की मुंह पसोरती तस्वीर तो थी तो कहीं उसकी टूटी चूड़ियों के टुकड़े उसकी बारबी का टूटा हाथ था तो

मुझ पर ज़्यादा रोब जमाने की ज़रूरत नहीं अच्छा पे आदत वो बुतक गई थी तू लगा फिर देख मैं क्या करता हूँ धमकी दी गई मैं तो लगाऊँगी रोक सको तो रोक लो फ्रेंच की छोटी झुल्लाती वो चली गई थी अड़ियल तो बचपन से ही थी खुला चैलेंज कराई थी और वो कितना शातिर था ये बाद में खुला जब वो मनपसंद लिपस्टिक ढूंढ ढूंढ हार गई तुमने चुराई ना मेरी लिपस्टिक

वाकई ऐसा किया है तुमने एशाल जहांगीर की दुहाई सुनने के बाद उनकी तफ्तीश का दायरा उस तक आया था इस मोटी की बकवास लिपस्टिक की कसम माम, मैं क्यों चुराने लगा लब भींच के टी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाने लगा उसकी कसम पे फ्रियाल को हंसी तो बहुत आई लेकिन एशाल की दिल गिरफ्तगी देखकर उन्होंने उससे साथ लगा लिया इधर उधर हो गई होगी कोई बात नहीं मैं अपनी बेटी को दूसरी ला दूंगी फ्रियाल उसे बहला रही थी और उसके कान खड़े हो गए थे फ्रियाल ने एक छोड़ दो ला दी थी लेकिन बुरा हुआ लुटेरे का जो रात रो रो अच्छा तो नहीं खाने थे इरादा था जिस तरह निकाली है उसी हमोशी से वापस रख देगा तभी दिलासा देने लगा आग लगे भाड़ में जाए वो लिपस्टिक नहीं चाहिए अब कभी बिगड़ के मनपसंद चीज को भी दो कोड़ी का कर देती थी और की कितनी पक्की थी ये भी खुला के दस बदस्त माफी मांग कर भी दोनों लिपस्टिक वापस की तो उसने उठा कर ही फेंक दी कह दिया ना छोड़ दिया तो छोड़ दिया वो आग बगोला हो गई थी हॉन्टो को गुलाबी करने वाली छोटी सी लिपस्टिक शहादत की उंगली और अंगूठे के बीच स्लो मोशन में गर्दिश कर रही थी लपों पे मुस्कुराहट फैल गई थी बचपन में भी वो कई दिन दिल शिकन अंदाज में उसे मनाता रहता था लेकिन ऐशा लिपस्टिक लगा ले कि इशाल लिपस्टिक लगा ले लेकिन इनकार इकरार में नहीं बदला था वो जिद्दी थी लेकिन उसे अफसोस हुआ था कि उसकी वजह से वो हर्ट होकर मनपसंद चीज ही तर्क कर गई उससे जुड़ी कितनी ही चीजें इस पेंटोरा पॉक्स में मौजूद होकर याद दिला रही थी कि वो उसके लिए कितनी अहमियत रखती थी सिर्फ उसे जलाने सताने और हवेली वालों के जुल्म से बचाए रखने के लिए अपने जज्बात को सींत सींत कर रखता था वक्त आने पर ये सारे पल उसके आंचल से बांधने का अजम था लेकिन अब तो लग रहा था ये ख्याल ख्वाब ही रहेगा कभी शर्मिंदा ताबीत नहीं हो सकेगा एक कर्ब उसके चेहरे पे फैल गया था तीस मारहान समझता है खुद को समझता है मैं उसके इशारों पे चलूंगी मामा पापा ने सर चढ़ा रखा है दो तो मिनट में मोहतरम का सारा गरूर कदमों तले रोंद कर उनकी औकात दिखा दू चौधरी होंगे हवेली के मुझ पे उनकी हुकूमत चलने वाले नहीं मैं वही करूंगी जो मेरी मर्जी होगी ले जाकर दिखाए मुझे हवेली भाग जाऊंगी लेकिन उस जिंदा में वापस नहीं जाऊंगी दम घुटता है वहां मेरा भेड़ पकड़ियों की तरह औरत को खूंटे से बांध कर रखते हैं हर बात के लिए इजाजत हर चीज पे पे पाबंदी हम्म वहां गुलामी की जिंदगी नहीं जी सकती आजाद फिजा में पली भरी हूँ आजाद ही रहूंगी जाके कर ली किसी मुटियान को अपने निगाह के एवस गुलाम दोनों को साथ ही हॉस्पिटल वापस जाना था लेकिन शमून ने उसे मना कर दिया था कि वो अकेला ही जाएगा लेकिन उसका हुक्म मानना उसकी बात की पैरवी करना किसी सूरत गवारा नहीं था तभी वो गाड़ी निकाल कर उसके जलाल को आवाज दे गई थी जानी पहचानी गलियां थी रश रश ड्राइव करते वो सुनसान रास्ते का इंतार कर चुकी थी ताकि अगर वो पीछे आने की कोशिश भी करे तो उसकी धूल तक ना मिले लेकिन बेखबर थी कि ताक में तो कोई और था दुश्मन तो कोई और था हाय बेबी, सुनसान रास्ते समझ नहीं पाई थी तलहा का लहक कर हाथ हिलाना उससे अपनी तरफ ना सिर्फ मतवचा कर किया बल्कि उससे एमरजेंसी में ब्रेक भी लगाना पड़ा क्योंकि दूसरी घाड़ी उसकी राह ब्लॉक कर गई थी ये कदरे सुनसान इलाका था तुम्हें क्या लगा था मुझे थप्पड़ मार के तुम जहाँ चाहोगी जहाँ छुपोगी और मैं तुम्हें बख्श दूंगा नजर तो बहुत रखी हुई थी लेकिन फिर तुम गायब हो गई आज नजर आई हो तो सोचा हिसाब बेबाक कर दिया जाए लेकिन सजा इतनी आसान नहीं होगी तुम और तुम्हारा खानदान रहम की भीख मांगोगे हमसे डालो इसे गाड़ी में उसकी हंसी उड़ाते वो अपने माते को ऑर्डर करके अपनी घाड़ी की तरफ मुड़ा था उसके साथ आए खबारी चना चौधरी तक आए थे उनके इरादे खतरनाक लग रहे थे मैं पुलिस को बुला लूंगी उनसे बचते उसने सेलफोन से नंबर मिलाना चाहा था लेकिन अगले ही लम्हे हाथ मारकर उसको सेलफोन गिरा दिया गया था छोड़ो वो पूरी तरह मुजाहमत कर रही थी लेकिन उनकी तादाद एक से ज्यादा थी अपनी कमजोरी उनकी ताकत के सामने बेबस कर रही थी खौफनाक चेहरे वाले हवारियों के नरगे में फंसी शोर करते वो अल्लाह को याद कर रही थी कहाँ ले जा रही हो छोड़ो वो बुरी तरह मचल रही थी लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था उसकी फटफड़ाहट को इससे हजाइया अंदाज से देखते तलहा घाड़ी में बैठ चुका था और उसके हवारी शनाए को ज़बरदस्ती घाड़ी में ठूंस रहे थे ये ऐसे नहीं मानेगी रुमाल सुंघाओ इससे उसकी हदायत पे अमल दरामद के लिए एक शख्स रुमाल लेकर करीब आया लेकिन इससे पहले ही हामोश गोलियां चलने लगी थी साइलेंसर लगी बंदूकों के बंदूकों के मुंह खुल गए थे उससे दो बचे करीब खड़ा शख्स जब जमीन पे गिर के लगा और संभलने में वक्त लगा था लेकिन आने वाले पूरी तैयारी से आए थे उसको संभलने से पहले ही आनंद फानन उसके हवारी की लाशें बिछ चुकी थी अपना रिवॉल्वर निकाल कर उसने कार्रवाई की कोशिश की ही थी जब शूटर्स ने उसकी घाड़ी का घेराव करके अपनी बंदूकों का रुख उसकी तरफ कर दिया। जदीद साइलेंसर आगे जैसे फिल्म चल पड़ी थी एक नजर उसके उड़े उड़े हवासों पे डाल के शाजर शाम तलहा तक आया था जो ड्राइविंग सीट पे महसूर हो चुका था उसमें नजर जमाया वो किसी को कॉल मिला गया था समान कराची से एक खास मेहमान हवेली भेज रहा हूँ उस वक्त तक उसकी हाथत करना जब तक मैं हवेली लौट कर नहीं आ जाता दुआ इलाज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है हाँ बस दोनों टांगों में गोलियाँ लगी हैं ख्याल बस इतना रखना कि मेरे आने तक ये जिंदा रहे बाकी ये डिटेल व्हाट्सएप कर रहा हूँ फाड़ खाने वाली नजरों से देखते वो फ़ोन पे हिदायत दे रहा था तलखा खौफजुदा नजरों से अपनी टांगों को देख रहा था जो सलामत थी लेकिन उन झुकी नजरों ने फिर टांगों में गोलियाँ बेवस्त होने का नजारा भी देखा दर्द की शिद्दत से वो खुले मुंह से सर उठाकर शाज और शमून को देखने लगा था प्लानिंग करते रेकी जरूर कर लेनी थी और वाकई उससे गलती हो गई थी वो शहर में शाज और शमून की मौजूदगी से नावाकिफ था एक इस नजर तलहा पे डालकर वो मुड़ा था शनाय चौधरी ने भी इस मंजर को आंखें फाड़ के देखा था और मुंह से निकलती चीखों पे हाथ रख के बंद बांधा था उससे बाजू से पकड़ के खाड़ी की तरफ थे खेलते उसने मुहाफिज को इशारा किया था बीबी को हॉस्पिटल पहुंचा दो बिना लानत मलामत किए वो उसे मंजर से निकाल रहा था आई एम मुहाफिज हुक्म की तामील करने लगा चाचा जान कुछ एनकाउंटर हुए हैं यहां

उनसे कुछ देर कबल बात हो चुकी है वो मामला की जिम्मेदारी ले चुकी है लेकिन चौधरी ले तो रहे हो वक्त ने हमेशा के लिए हवेली लौट आने की बात कर दी है वो आजकल में आ जाएगा इसीलिए हमने अपना और सम्भाल कर जाना कैंसिल करवाया शाह भेज तो रहा है दुश्मन को हवेली हम उससे इबरतनाक मौत देंगे जहां गिर ने इंतजाम करवा दिए है कोई मुश्किल नहीं होगी वक्त भले बीमार है लेकिन हमें शाह और जहांगीर की मौजूदगी पे किसी किस्म की फिक्र नहीं है उनमें सूरत हाल से निबटने की सलाहियत है जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाह है ना वहाँ जहांगीर भी साथ है वक्त की फैमिली पे कोई बुरी निगाह नहीं डाल सकता चौधरी फिरोज ने तइद की चौधरी असमत मुतमइन से हो गए बस हमें हवेली में अलर्ट रहने की ज़रूरत है मैंने सिक्योरिटी अलर्ट करवा दी है गाँव के हर रास्ते पर हमारे लोग फेस बदल के तैनात हैं हथियार में कमी लगी थी कुछ हथियार के ऑर्डर्स कर दिए हैं एक घंटे तक डिलीवर हो जाएंगे हवेली की तरफ से आप लोग बेफिक्र रहें एक पार्टी भी तरतीब दे दी है जो आधे रास्ते से तलहा को पिक कर लेगी सबकी नजरें बेसाख्त समान अफंदी पर उठी थी वो मामला ही डिस्कस कर रहे थे और उसने तैयारी भी कर ली थी चौधरी असमन के होंटों पर मुस्कुराहट फकरिया मुस्कुराहट फैल गई थी वाह भाई समहान तुमने तो सारा जाल ही बिछा दिया है दुश्मन इस तरफ आते सो बार सोचेगा बस अफसोस है तो इतना तलहा की एंट्री से हम बेखबर रहे सराहत चौधरी फिरोज आखिर में अफसोस का इजहार करने लगे तलहा फौरन में रहता था कम आना जाना था गुजर का नवासा होने के नाते हमने उससे ज्यादा अहमियत नहीं दी कि बेटे और पोतों से बदले की उम्मीद थी लेकिन यहाँ तलहा को सामने करके जी के पीछे लगा दिया गया उनके अगवा की कोशिश से हमें

कैसी खुश्यारी? चित करते ना। चित ना कर कर दिया ना मेरे शेर ने आने दो बाकी की कसर हम पूरी देंगे हमारी बहन बेटी को ढाल बनाने वाले का तक नहीं मिलेगा रहा को चौधरी का जहांगीर से बात करके सब अंडर कंट्रोल सुनकर वो सब मुतम हो गए थे जब चौधरी जहांगीर साथ थे जिन्होंने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तक कब से में ले ली थी वहां किस बात का खौफ था सोने पे सुहागा शाह का साइलेंसर पिस्टल का इस्तेमाल था जरा सी भी मामूली गैर मामूली मोमेंट हो तो मुझे फौरन इतला दो चौधरी हशमत के खुजरे से निकलकर वो मुस्तादी से हवेली की छतों की तरफ मुहाफिजों को चेक करने गया था जहां सब ओके की रिपोर्ट थी ब्लूटूथ से हवेली के बाहर मौजूद

कुछ लोग मरे हैं और गुजर का नवासा जो इस जुर्म का मास्टर था, वो आ रहा है, बस उसी की तैयारी की है अल्लाह अल्ला बच्चियों की वो बिल्कुल ठीक है आप इस बात का जिक्र दी जान या ताई जान से करें तो ध्यान रखिएगा की बात दिया चची या चा जान तक ना पहुंचे चचा जान की तबीयत ठीक नहीं है उनकी सेहत पे असर पड़ेगा चचे जान भी ख्वाह होंगी यूं भी वो सब जल्द हवेली आ रहे हैं हमेशा के लिए मालूम देते दे सुहाना अंदाज में समझाने लगा तो फरियाल तयदी अंदाज में सर हिलाने लगी पता नहीं किसकी नजर लग गई है हवेली को अल्लाह रहम करे हम सब पर हमारी बच्चियों पर आप कुछ परेशान थी याद दिलाया हाँ बर्फ लेने निकली थी तुमसे बातों में लग गई ऐशाल को बहुत तेज बुखार हो रहा है दो घंटे पहले दुआ दी थी कमरे से नहीं निकली तो जाके देखा जल रही है बुखार से उसी के लिए बर्फ लेने जा रही थी सप्ताह के ठंडे पानी की पट्टियाँ रखो लगता है अचानक मग्नी का सदमा ले लिया है बच्ची ने अपनी मर्जी के बिना तिनका तक पसंद नहीं करती बाबा जान ने निदा, निदा की बला उसके गले डाल दिया निदा का बला उसके गले डाल दिया अल्लाह करे जिस हमेशी से फैसला कबूल किया है उसे बरकरार रखे उसकी बेचैन तबीयत को जानकर फरियाल दवा गूंद हजारों मील की स्पीड से काम करने वाला सुमहान अफंदी एशाल और उसकी

हदायत देते वो हवेली के हुफिया रास्तों की तरफ मुड़ गया था अभी तलहा की रिहाईश के इंतजामात भी देखने थे क्या हुआ ले आई सामान उससे उड़े उड़े हवासों के साथ हाली हाथ आते देखकर दिया ने हैरत से सवाल किया जी वो सामान तो घड़ी में रह गया मैं अभी लेकर आती हूँ वो गड़बड़ा गई सब ठीक है शाह कहाँ है उसके घबराए अंदाज में दिया को तशवीश हुई उन्हें कोई जरूरी काम पड़ गया था मुझे मुहाफिज के साथ भेजा है उसकी बात से दिया जरा मुतमिन नहीं हुई थी उनकी नजरों से बचने के लिए वो सामान लाने की नियत से आगे बढ़ने लगी मैं सामान ले आती हूँ रहने दो तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं तुम्हारे पापा ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया है हम घर चल रहे हैं और जल्द ही हवेली जाएंगे घर चल के अपनी पैकिंग कर लो हवेली क्यों वो मुताजब हुई तुम्हारे पापा ने हमेशा के लिए हवेली में रहने का फैसला कर लिया है दिया ने जैसे धमाका किया था पहले ही वो जिस किस्म की सूरत हाल का सामना करके आई थी उसके बाद ऐसी इतला उसे पागल करने के लिए काफी थी मेरी और माहम की पढ़ाई वो गुमसुम हुई हवेली की दीगर लड़कियां भी पढ़ रही हैं उसके एतराज पर दिया ने नागवारी से जवाब दिया इसी असना में उनका सेल फोन बचने लगा था चची जान आप तैयार रहे हैं? मैं बस दो मिनट में आप लोगों को पिक करने आ रहा हूं बेटा हम तैयार हैं शनाया चौधरी बेयकीनी से उनकी बातें सुन रही थी हवेली जाने के ख्याल से ही उसकी रूह फना हो रही थी अनुषा रुखसत हो चुकी थी मेहमान खाना खाकर जा चुके थे ईशान शाह हर मामले में पेश पेश था मुनजा यकिया की आमद के खौफ से किसी कदर खौफ जदा थी और उनका खौफ पे जा नहीं था यकिया सरफराज को गली के कोने में देखकर उनका तम अटकने लगा था उनकी गैर होती हालत उन तक आया था। और तमाशा कर सकता था लेकिन इसके बाद यह तमाशा उससे महंगा कितना महंगा पड़ने वाला था वो बाखूबी जानता था उसकी शक्ल गुम हुई तो मुनाजा का देहान फिर से लोगों की तरफ हुआ वो जल्द से जल्द अनुशा को रुख करना चाह रही थी ताकि धड़के से निजात मिले ऐशान झा की मौजूदगी में जिस तरह देख रहा था ये देखकर उसका फिशार खून ही बुलंद हो रहा था अनुषा की जुताई पे दिल बोझल था तो उसकी नजरें जिज कर रही थी ऐशान झा की मौजूदगी को सैमा ने मायनी हेजी देखते मियाँ को टहोका दिया था मुनजा अजीज का बेटा कहकर मुतारफ करवाया था रातों रात ऐसा कौन सा अजीज पता होगी जिससे हम वाकिफ नहीं

हमने भी नहीं खाया साथ मिलके खा लेंगे जाओ मावरा खाना निकाल लाओ हम सब के लिए काटू तो बदन में लहू नहीं वाला मामला था वो शशतर सी मुनजा के अहकाम सुन रही थी मेरे लिए इन्हें जहमत ना दे आंटी थकी हुई है उसका हम दर्द बन के कहना मावरा को एक आंख नहीं भाया था आंटी ये अनुषा को दे दीजिएगा ताकि वो अपनी मर्जी से कुछ ले ले मैं कुछ लेकर नहीं आया था ब्लैंक चेक देखकर कर मुन्जा पंच में पड़ गई थी उसके नजरों के सामने से हटने की कोशिश में जाने के लिए खड़ी होने वाली मावरा भी रुक सी गई थी हम गरीबों के बुलावे पर तुम आ गए यही बहुत है बेटा ये तो कलुफ है दो मुनजा इनकारी थी अरे तोहफा तो देने वाला तय करता है आप क्यों इनकार करके बच्चे का दिल दुखा रही हैं आपा साइमा भी आने के लिए थी ताकि देख के पकाया जात घर ला सकें लेकिन यहाँ का मंजर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई उन्होंने छठ हाथ बढ़ाकर चेक पकड़ा और ब्लैंक चेक देकर आंखें फटी की फटी रह गई उनकी आमद पर ने भी बात को आई तो मैं बिरयानी लेने ही थी आपा मेरा छोटा घर आते ही पूछने लगा मुनजा ने बिरयानी नहीं भेजी आप में कहा इतना दम होगा की सबका दरवाजा बजा के बिरयानी बांटे इसलिए खुद ही चली आई ना मुन्नजा ने आला पैमाने पर दावत की थी ना इंतजाम सैकड़ों लोगों के थे लेकिन अल्लाह ने इज्जत रख ली थी साइमा के तकाजे पर मुनजा ने मुआवरा को इशारा किया था कि वो साइमा के लिए भी खाना निकाल दे हाँ बेटा कहाँ रहते हो शक्ल से तो किसी अमीर घर की औलाद लगते हो शादी हो गई तुम्हारी किचन की तरफ जाते साइमा के इश्तियाक से किए सवाल उसके समाज से टकराए थे जाने वो क्या जवाब दे रहा था मुआवरा को जरा बराबर दिलचस्पी नहीं थी कहाँ किसी से मोहब्बत निभाने वाला हूँ मैं बतलिहाज भी बिल्कुल समाने वाला हूँ अब कैसी तबीयत है शाल की हर महास पे आजमा इश्क कीमत, होशी एक चलक के लिए उसके दर तक ले ही आई थी फरियाल ठंडे पानी की पट्टियां रख रख कर बेहाल हो चुकी थी और अब निदा ये अमल अंजाम दे रही थी उसकी दस्तक पे निदा ने सर उठाकर देखा था और उसे देखकर दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गई समाना फंदी ने कमरे में दाखिल होती ऐशाल पे एक जामे मगर मुख्तर निकाह डाली थी वो बेसुत पड़ी हुई थी चेहरा निकाहत से जर्द महसूस हो रहा था हवेली के दरों दीवार को हिलाने वाली को इस वक्त बेसुध देखकर उससे बेचैनी होने लगी थी वो लड़ती भिड़ती चीखती चिंघाटती ही अच्छी लगती थी बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा पट्टियां रखकर रह रखकर हम तो थक गए अब तो बेहोशी सी तारी है बाबा जान के इल्म में लाओ ईशाल को जल्द हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है बुखार मजीद बिगड़ गया तो बच्ची के जान के लाले पड़ जाएंगे उसकी हालत देखकर आसार तो उससे भी अच्छे नहीं लग रहे थे की पर उससे भी परेशानी होने लगी समान बाबा जान से बात करो मैं मजीद बर्फ ले आऊ नि तुम थक गई होगी मैं किसी और को भेज देती हूँ जाते हुए फरियाल हदायत करने के साथ निदा से इस्तफसार करने लगी मैं कर लूंगी चची जान निदा नफी में सर हिलाती फरियाल को जाते हुए देखने लगी कमरे में अब वो तीनों ही रह गए थे निदा के चेहरे की उदासी और सर पे मौजूद सफेद आंचल को उसने किसी कदर दुख से देखा था राहिल के बाद से वो उससे सफेद रंग के लिबास में ही नजर आती थी राहिल के साथ जो सलूक हुआ वो खुद को बराबर का मुजरिम समझता था आप कैसी हैं जी? जाने क्यों उसके दुख पे जी भराया वो मोहब्बत की चलती फिरती लाश लगती थी निता के होंटों पे एक तल्ख मुस्कुराहट छलक दिखला के मादूम हो गई थी मैं ठीक हूं वो चंदसानिया रुकी थी फिर सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी शाल को कुछ नहीं होना चाहिए सम्हान। उसकी तरफ तनबीही नसरों से देखते निता ने कुछ ऐसे अंदाज से कहा कि वो ठटक गया क्या वो बाखबर थी किस हद तक कैसे ये सोच तो उसकी ज़ात के अंदर ये सच तो उसकी ज़ात के अंदर मुकीद था निदा दोबारा से अपने काम में मशगूल हो चुकी थी वो कुछ उलझा सा ऐशाल पे एक नज़र डालकर कमरे से निकल गया था निदा के अंदाज ने उसे उलझन में मुबतला कर दिया था इसी अंदाज में वो चौधरी हशमत के हजरे में दाखिल हुआ था कहीं लड़की ने कुछ खा तो नहीं लिया अगर ऐसा है तो उससे जहर का इंजेक्शन लगा दो डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं कल की मरती आज मर जाए हवेली को ऐसी बाकी की जरूरत भी नहीं है उसका मुद्दा सुनते चौधरी हशमत नागवारी का इजहार करते हलबत आ गए मुमकिन हद तक उसने चेहरे का रंग बदलने नहीं दिया था हाथों की रगें उभर कर बर्दाश्त की हद जाहिर कर गई थी हॉस्पिटल ले जाना बेहद जरूरी है दाजान तबीयत मजीद बिगड़ गई तो संभालना मुश्किल होगा हद अदब से गोया हुआ ना लहजा बिगड़ा था ना अंदाज चौधरी हशमत कई लम्हे हुक्का गड़गड़ाते रहे और उनकी खामोशी उसके जब्त को आजमाती रही हवेली में पहली ही इतनी अफरा तफरी फैली हुई है ऐसे में उसे हॉस्पिटल भेजने का रिस्क हम नहीं ले सकते साफ इनकार था अंदाज ऐसा था जैसे उसकी कोई परवाही नहीं थी मरती है तो मर जाए मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ आ फिक्रम ना हो इंशाला कुछ नहीं होगा वो हर हाल में इजाजत का हुआ हाँ था उस गुस्ताख लड़की के लिए हम तुम्हारी जान दाव पे नहीं लगा सकते जाने दुश्मन कब कहाँ घात लगाए बैठा हो जिंदा रह गई तो कोई बात नहीं मर गई तो हवेली के कोने में गाड़ देंगे उससे असाब एक बार फिर झुंझुना जुन गए थे अगर से अपने असाब पे कंट्रोल नहीं होता तो शायद अब तक जब्त गवा चुका होता जिसकी जिंदगी की बका के लिए वो खुद को दाव पे लगाए हुए था उसी की मौत का तस्करा चौधरी हशमत किस कितनी आसानी से कर रहे थे अगर हॉस्पिटल ले जाना इतना मुश्किल है तो मैं डॉक्टर और उसके अमले को हवेली बुला लेता हूँ इसमें तो आपको कोई इतराज़ नहीं है ना दाजान वो हर हाल में उसको फिर से अपने पैरों पैरों पे खड़ा देखना चाहता था चौधरी हशमत एक बार फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे थे अगर तुम हर हाल में उसका इलाज करवाना चाहते हो तो बुला लो जाने वो ही ज्यादा महसूस कर रहा था या वो ही बेदिहानी में कह गए थे चौधरी हशमत का जुमला उसने सर झुकाकर सुना था बेहतर ताजान वो सिरत से उनके कमरे से निकलते डॉक्टर को कॉल मिलाने लगा था आई फील बोर ममा तरमीन वो बसोरती सहबा के पहलू में बैठ गई कही थी कहीं आओ कहीं आउटिंग के लिए चली जाओ कोई अच्छी मूवी देखा सहबा मैगजीन की वर्क बंद करके से नवाज लगी किसी चीज का मूड नहीं मिजाज ही नहीं मिल रहे थे कुछ देर पहले तक तो मूड बड़ा अच्छा था तुम्हारा अचानक क्या हो गया नाजुक मिजाज बेटी के पल पल बदलते मूड पे तश्वीश हुई मूड इसलिए अच्छा था कि समानदार जान के साथ कराची आ रहा है उम्मीद थी निकाह की तकरीब जल्द होगी लेकिन उनके टिकट कैंसिल का सुनकर मूड खराब हो गया कैंसिल करने की जरूरत ही क्या पड़ी गुस्से का इजहार करते उसने क्वेश्चन उठाकर दूर फेंक दिया होती कैसे नहीं यहाँ तो हर घड़ी तमाशा करने वाले लोग मौजूद हैं बख्त भाई को हार्ट अटैक आया तो बाबा जान ने आने की हामी भर ली और तुम्हारे डैड ने लगे हाथों ने कहा कि बात भी कर ली लेकिन बख्त भाई ने बाबा जान को आने से मना करके हमेशा के लिए हवेली जाने का सबदा सुना कर सारा काम खराब कर दिया जाना था तो पहले ही चले जाते ऐन मौके पे हमारा काम खराब किया बाबा जान ने कहा है अब हवेली में ही निकाह होगा मुमकिन था हम भी हवेली चल के निकाह जल्द करवा लेते ताकि तुम्हें तो सुकून होता कि सम्मान अब कहीं नहीं जाने वाला लेकिन बुरा हो हवेली के दुश्मनों का शनाया के अगवा की कोशिश में शाह ने कई बंदे मार दिए और अब तुम्हारे डैड इसी मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं ये शनाया और उसकी फैमिली कुछ ज्यादा ही मनहूस साबित नहीं हो रहे हमारे लिए सहबा ने नागवारी से सारी गुथी सुलझा दी तो नवीन उससे डबल नागवारी से गोया हुई सही कह रही हो सहबा ने नाक चढ़ाई अब उनके निकलने से पहले जाके हाजरी लगानी पड़ेगी सहबा का मुंह बना क्या बातें चल रही हैं ईशान जा उसी वक्त दाहिल हुआ था आज ईद तो नहीं है ये तुम कहां से आ रहे हो उसके शलवार सूट और वेस्ट को सहबा ने हैरानी से देखा था वो इस किस्म की ड्रेसिंग ईद के ईद ही करता था उनका हैरान होना बजा था क्लास फेलो की की शादी थी वहीं से आ रहा हूँ उसने मुख्तर पिराई में जवाब दिया यहाँ भी हवेली वाले जैसे लोग मौजूद हैं इतनी चल चलाती करता है तो वाह नागवारी सी, नागवारी थी मानो बिल्ली का मूड क्यों ऑफ है इस तस्करे से बचने के लिए उसने बिगड़े मूड वाली नरमीन की तरफ इशारा किया और सहबा पूरी तफसील से उसके बिगड़े मूड की कहानी सुनाने लगी डॉक्टर आ चुका था बुखार के साथ बीपी की कमी भी मौजूद थी जिसके इंजेक्शन के साथ दवाएं देकर डॉक्टर जा, जा था ट्रिप लगी हुई थी जो मुकम्मल होने पर हटानी थी तकरीबन सब ही बारी बारी उसकी कर रहे थे सफाई चौधरी हशमत के उन्होंने बस डॉक्टर की हदायत पूछी थी सम्मान से और गुजर गए थे सुमृत बेगम आयते पड पढ़, पढ़ कर उस पे दम कर रही थी तो लड़कियां अफसोस भरे अंदाज़ में उसके बेसुध वजूद को देख रही थी बीमार का इलाज करते हैं مرض का इलाज यहाँ किसी के पास नहीं है जाने इतनी बेहिसी क्यों है इस हवेली में अपने हैं लेकिन अपनायत की कमी है इस शाल की हालत पे कुर्ती ज़री शाज़िमा के सामने भड़ास निकाल रही थी शाज़िमा हाथ तबाकर उसे ोश रहने का इशारा कर रही थी सुहाना फंदी ने बहन के लफ्ज़ बगौर सुने थे शायद हवेली की हर लड़की के अंदर एक इशाल थी जो हवेली से अनाथ रखती थी हवेली के बारे में जितना कम सोचोगी खुश रहोगी अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो वो जरिश को सरजनिश करने से नहीं चौंका था वो अनजान थी कि उसने जुमला सुन लिया है लेकिन उसकी तनबी पे चौकन्नी हो गई बेहतर वीरे हौले से मिन बनाई थी रोब और ताक़त से आवाज़ तो दबाई जा सकती है लेकिन जज्बात नहीं इसका उससे बहुत अच्छी तरह इल्म था चाने हवेली के राइज असूल कितनी एशाल को जन्म देते उससे हवेली के मुस्तक के हवाले से तशवीश होने लगी थी माँ की तस्वीर से बातें करते करते जाने वो कब सो गई थी मुंदी मुंदी आंखें खुली तो कड़बट बदलने की कोशिश बेसूद रही ज्यादा लेटे रहने के बायस कमर में दर्द सा महसूस हो रहा था कलाई में चुपन का एहसास हुआ तो उसने बेसख्ता कलाई सामने की और उसमें लगी ड्रिप को हैरत से देखने लगी नीम अंधेरा कमरा था आंखें फाड़कर कर इर्द गिर्द के माहौल से मानूस होने के लिए नजर दोहराई तो अपने कमरे का एहसास हुआ ड्रिप स्टैंड के पास खड़े कलाई में बंधी रिस्ट वॉच पे नजर डालते सम्हान अफंदी को उसने बेहद हैरत से देखा था वो यहाँ उसके कमरे में क्या कर रहा था जिंदगी बखैर उससे जागते देखकर होले से मुस्कुराया था जिस जिंदगी का एहसास ही नहीं उसकी मुबारकबाद भी अपने पास ही रखो सख्त जल बलाकर उसने बेदर्दी से पट्टी नोच कर फेंकने के बाद ड्रिप की नीडल खेच कर निकाल दी थी अरे वो उसके अमल को रोकता रह गया था लेकिन वो कर गुजरी थी नतीजा तन कलाई से खून निकलने लगा था ये दूसरी ट्रिप थी पीपी -पी गिरा के बुखार चढ़ा के खुद तो आराम से पड़ी रही सबको परेशानी में डालकर बजाय शुक्र अदा करने के उठते ही से बाही फैला दी सरसपर नहीं है तुम में मैं ड्रिप बंद करने के लिए ही खड़ा था ना सिरत से उसकी कलाई थाम कर कॉटन को खून निकलने वाली जगह पे दबा दिया तो किसने कहा था हवेली के लोगों को परेशान होने को खामोशी से गढ़ा खोद कर बेसुद वजूद को दबा देना था ना हवेली वालों के गम तो कम होते हाथ छुड़ाने की कोशिश करती बेखत तलखीज से गोया थी इस कोशिश से कलाई में दर्द भी महसूस हुआ जागते ही तुम्हारे मुंह से जिस तरह हवेली वालों के लिए फूल झड़ रहे हैं बस इसी को सब मिस कर रहे थे लब दबाकर कॉटन के ऊपर प्लास्ट लगा रहा था था उसे एक्टिव देखकर सुकून का सांस हुआ था। वो फींच कर उसका अमल देख रही थी भूख महसूस हो रही है मामा ने सूप और दलिया बना रखा है तुम्हारे लिए तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही थी जाते हुए कुछ खाने को भिजवाऊं ट्रिप का साजा सामान समेट कर डस्टबिन की नजर करते कर रहा था उनके दरमियाना नदीदा दीवारें इतनी बुलंद हो गई थीं कि उसका दम खुटने लगा था जब भी उसे देखती थी नरवीन का एहसास पिछू बन के डंक मारने लगता था ऊपर से रईस मियाँ भी नासिल हो गए थे किसी कल सुकून नहीं था और वो यूं खाने पीने का पूछ रहा था जैसे वो तफरी का में साथ छुट्टियां गुजार रहे हों तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है खाने पीने की भी नहीं

जाओ यहां से तुम मुझे तुम्हारे सहारे की भी जरूरत नहीं है हवास में तो वो बुदक कर छटके से बाजू छुड़ा गई उफ वो सर पकड़ के रह गया जा रहा हूं भले से गिरती पड़ती रहो ना देखूंगा ना तकलीफ होगी तकलीफ का एहसास करने के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ती बिना देखे भी महसूस हो जाती है लेकिन अफसोस तुम में ये सिरे से मौजूद ही नहीं उसकी आंखों में आंखें डाले वो कड़वे लहजे में कहकर वॉट की तरफ फड़ गई थी फ्रेश होने का मूड था कपड़े लेकर उससे नजरअंदाज करती अपने पीछे वो जोर से का दरवाजा बंद बंद थी हिस के दरवाजे को देखते वो तलखी से मुस्कुराया था चौधरी वक्त घर आ चुके थे गहो हॉस्पिटल वाले अभी डिस्चार्ज देने के मूड में नहीं थे लेकिन चूंकि सारे ही कॉलीग थे सो उनकी बात मान गए डॉक्टर होने के नाते दिया ख्याल रख सकती थी उनके लिए सफर मुनासिब नहीं था लेकिन दिया के समझाने पर भी उनका फैसला नहीं सुबह की फ्लाइट से वो सब हमेशा तैयार नहीं थी हमेशा के लिए हवेली जाने का ख्याल ही सुहाने रूह था इसी से बचने के लिए वो जाने क्या कुछ कर रही थी खुद ही तंगा कर तीन बोल बोल कर उसमें लानत भेज दे लेकिन सब उल्टा ही हो रहा था तलहा से मनसूब छूटी कहानी घड़ी तो उसका भी हशर नशर हो गया। शाजर शामून ने को जिसने में नहला दिया उसे था अगर जो वो वक्त में ना आता तो जाने तलहा एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए किस हद तक गिर जाता फैशी दरिंदा है आखिर में तलहा के पैरों पर पे गोली मारने का मंजर आंखों के सामने लहराया तो वह नफरत से सर छिटक गई हवेली नहीं जाऊंगी वहाँ गई तो फिर कभी वापस नहीं आ सकूंगी ना ही इस दरिंदे से कभी निजात मिल सकेगी मम्मा पापा कभी मेरी बात नहीं मानेंगे हर पहलू से सोचते आकर में हर पहलू से सोचते आखिर में आकर सोच का दायरा उसी के गिर्द आकर गर्दिश करने लगा था तभी वो उससे बात करने के इरादे से बाहर निकली थी उसके कमरे में जाने से पहले ही वो उसे राहदारी में फ़ोन पे बात करता नजर आ गया वो जब तक उस तक पहुंची वो फोन बंद कर चुका था मैं हवेली नहीं जाऊंगी गुजश्ता वाकई के बाद से शाह ने बर रास्त की थी ना तलहा के कुछ पूछने की जहमत की थी इस वक्त भी इग्नोर करके गुजरने लगा था जब वो सामने आकर दिली ख्वाहिश बयान करने लगी चौधरी इस हाल को पहुंच गए थे कहीं जाने गई थी तलहा हवेली के लिए रवाना हो चुका था और वो इन सब बातों को अहमियत दिए बिना अपनी राम कहानी में ही उलझी हुई थी जोर जबरदस्ती का हादसा तजर्बा है मुझे जवाब उतना ही सर्द मौसू हुआ था मैं बालिग हूँ मेरी मर्जी के बिना आप मुझे कहीं नहीं ले जा सकते बिलफर्श आपने ज़ोर ज़बरदस्ती की कोशिश की तो मैं पुलिस स्टेशन कॉल करके आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा दूंगी और ये भी कम पड़ा तो एफआईआर कटवा दूंगी वुमेन राइट का मुझे बहुत अच्छी तरह पता है ये आपका गांव नहीं जहां कि आप चौधरी हों

सर्द नजरों से उसकी रीढ़ की हड्डी सुन करते दबे लहजे में गुर्राया आपके सामने क्यों कॉल करूं अकेले में अपने नंबर से करूंगी वैसे भी जाना तो सुबह है ना इस था। जाएं। कमरे में जाके कॉल करें बाजू से पकड़कर उसका रुख बदल कर कमरे की तरफ धकेल दिया जंगली वहशी दरिंदे वो मुंह के बल गिरते गिरते बची थी संभलते ही उसकी शान में जुमला कसने लगी करो कॉल वो पूरी तरह चिल्लाया था एक पल को शनाया चौधरी लरस गई उसकी धमकी उससे आतिश फिशा बना गई थी हाँ करूंगी कॉल एक बार नहीं सौ बार करूंगी जिस तरह आपने मासूमों का खून बहाया उसकी भी गवाह बनूंगी चचा जान ने मामला दबा दिया लेकिन मैं खुद जाके एफआईआर आई कटवाऊंगी कि मुझसे मोहब्बत करने वाले को इस शख्स ने मेरी आंखों के सामने गोलियां मारी पलट के वो उससे ऊंची आवाज में चिल्लाई थी नतीजतन शाह का तमाचा पूरी कुत से उसके रुखसार पे पड़ा था वो फर्श पे गिर पड़ी थी मोहब्बत का दावा करने से पहले अगले की नस्ल का तो पता कर लेती एक नफरत भरी नजर डालकर वो आगे बढ़ गया था उसके शोर से उनके शोर से बाहर आती दिया और माहम सारा मंजर देख कर दंबा खुद रह गई थी धूल चाटती शनाया चौधरी पे हाथ रखे शर बैठी रह गई थी So listeners this was the end of the, today's episode so listeners don't forget to like comment share and subscribe my channel and also press the bell icon for latest episodes thank you